स्टार्ट करते हैं जी। लास्ट टाइम हमने देखा था कि एएसएम का आर्किटेक्चर, हमने पहले से चेक कर लिया था कि एएसएम का आर्किटेक्चर क्या है। आपके पास एएसएम के इंस्टेंस होगा, देन आप डिस्क ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं और फिर उस इन डिस्क ग्रुप्स के ऊपर आप डेटाबेस की फाइल्स स्टोर कर सकते हैं, डेटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स एंड रीड लॉग फाइल्स। आज हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे और फिर एएसएम इंस्टेंस की एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन से पहले कुछ चीजें प्रीरिक्विजिट्स में आपको बता देता हूँ जो कि हम करेंगे। हमारे पास इस लिनक्स की जो मशीन है जिसके ऊपर ये एएसएम हम डिप्लॉय करने जा रहे हैं, कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, उसमें मेरे पास दो हार्ड ड्राइव्स लगी हुई हैं इस लिनक्स की इस मशीन के ऊपर। ज़रूरी नहीं है आपके पास दो ड्राइव्स हों, आपके पास एक ड्राइव भी हो तब भी काम चल जाएगा, लेकिन आपके पास अनपार्टीशन स्पेस होनी चाहिए। लेकिन अगर ज़्यादा ड्राइव्स हों तो फ़ायदा तभी है, और प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में आप याद रखिएगा आपके पास मल्टीपल ड्राइव्स ही होनी चाहिए। अच्छा, एक ड्राइव के ऊपर हमने पार्टीशन करके उसको और उसके ऊपर ओएस इंस्टॉल कर लिया हुआ, ठीक है। वो ड्राइव मैं आपको दिखा देता हूँ, रूट यूजर से लॉगिन हो जाते हैं। तो df माइनस एच करेंगे तो आपको दिखाएगा जी कौन कौन सी डिस्क के ऊपर क्या क्या पार्टीशन हुई हैं। ये एच डी सी के ऊपर अच्छा, एफ डिस्क माइनस एल की कमांड है जो आपको बताती है कि आपके पास कितनी डिस्क हैं, ठीक है, आपके पास कितनी डिस्क हैं। एफ डिस्क माइनस एफ लिनक्स के अंदर मैं आपको दिखा रहे हैं जी, डेव एच डी सी एक डिस्क है और डेव एस डी ए एक डिस्क है, दो डिस्क हैं। जो एस एच डी सी है वो इट मीन्स कि ये एक आई डी ई हार्ड ड्राइव है, ठीक है। जो हमने एक दफा डिस्कस किया था कि आपके पास जो लिनक्स में डिस्क हैं वो नॉर्मली एस डी से रिकग्नाइज होती हैं, एस डी ए, एस डी बी, एस डी सी, अगर वो स्कजी या साटा डिस्क है। अगर वो पुरानी डिस्क हैं जिनको आई डी ई कहा जाता है तो एच डी से रिकग्नाइज होती हैं, एच डी सी से ये उसने रिकग्नाइज किया। इन्होंने किया क्या है, वो इस इंस्टॉल करते वक्त एक पार्टीशन उन्होंने उस डिस्क पे बना दी, उस पर रूट माउंट पॉइंट बना दी और बाकी पार्टीशन उन्होंने दूसरी डिस्क के ऊपर बना दिए। तो दोनों डिस्क से यूज करनी है, एच डी सी के ऊपर हमारे पास स्पेस अवेलेबल होगी तो हम क्या करते हैं उस पर पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने करना क्या है, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं फिर हम पार्टीशनिंग की तरफ आते हैं। तो हम जो हमारे पास एक डिस्क अवेलेबल है, ये जो अनपार्टीशन स्पेस अवेलेबल है उस पर हम क्या करेंगे, मल्टीपल दो तीन पार्टीशन बना लेंगे और उन पार्टीशन को फिर हम एएसएम के अंदर जाके यूज करेंगे। एएसएम आपका करता क्या है कि आप उसको एक या एक से ज्यादा डिस्क देते हैं, हमारे केस में वो पार्टीशन होंगे, आइडली वो एक पूरी डिस्क होनी चाहिए और उस डिस्क के ऊपर एक पार्टीशन होनी चाहिए। प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि एक डिस्क के ऊपर आप मल्टीपल पार्टीशन बनाएं और उसको एएसएम के अंदर जाके यूज करें आप। तो एक डिस्क के ऊपर पूरी एक पार्टीशन होनी चाहिए और वो आप एएसएम को दें और उन डिस्क को मिला के, चाहे एक डिस्क के ऊपर एक डिस्क ग्रुप बना लें या मल्टीपल डिस्क को मिला के आप एक डिस्क ग्रुप कन्फिगर कर लें, कोई भी उसको एक नाम दे दें, DG01 या डेटा या कुछ भी आप नाम दे दें। तो एएसएम क्या करेगा, एएसएम का एक इंस्टेंस चल रहा होगा, उसके अपने बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं और वो इन डिस्क ग्रुप्स को मैनेज कर रहा होगा और उन डिस्क को मैनेज कर रहा होगा। और जब आप कोई डेटाबेस का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, तो वो एएसएम इंस्टेंस से इंटरेक्ट करेगा, डिस्क ग्रुप की इन्फॉर्मेशन एएसएम इंस्टेंस गेट करेगा, उस डेटाबेस इंस्टेंस को दे देगा और डेटाबेस इंस्टेंस अपने डेटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स, रीड लॉक फाइल्स आपके एएसएम के डिस्क ग्रुप के ऊपर प्लेस कर सकेगा। एडवांटेज क्या होगा, सिक्योरिटी डाटा की, एक तो वो ऐसे डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होगी आपकी डेटा फाइल्स, दूसरा एडवांटेज ये होगा कि आपका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी क्योंकि वो जो डिस्क ग्रुप के ऊपर जब वो फाइल्स प्लेस करेगा तो स्ट्राइप करके रखेगा अक्रॉस द डिस्क। स्ट्राइप का एक साइज होगा, बाय डिफॉल्ट 1 MB का स्ट्राइप साइज होता है, आप इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते, मिनिमम 1 MB है, आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो और ये खुद ही एडजस्ट भी करता रहता है आपकी डेटाबेस की ग्रोथ के हिसाब से। तो 1 MB का चंक में डिवाइड करके आपकी जो डेटा फाइल है इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा अंडरलाइन डिस्क के अंदर। उसका एडवांटेज क्या होगा, आईओ लोड बैलेंस हो जाएगी, आपका जो डेटा है वो स्प्रेड आउट हो जाएगा इवनली सारे अंडरलाइन डिस्क के ऊपर, और जब वो रीड या राइट करने जाएगा तो मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स के जो रीड राइट हेड हैं वो एट अ टाइम जाके पैरेलल में डेटा रीड या राइट कर रहे होंगे, परफॉर्मेंस मल्टीपल टाइम्स फास्टर हो जाएगी आपकी एक नॉर्मल फाइल सिस्टम के ऊपर अगर आप फाइल रखेंगे तो उसके मुकाबले में। और दूसरा आप मिररिंग भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अब मिररिंग नॉर्मली जो की जाती है डिस्क की वो हार्डवेयर लेवल पे की जाती है और उसके लिए नॉर्मली यूज किया जाता है रेट, ठीक है। तो आप लोग कौन सा रेट यूज करते हैं अपने सर्वर्स के ऊपर नॉर्मली, कौन कौन सा, आपने आपने आपके पास डेटाबेस सर्वर्स होंगे जो करंटली चल रहे हैं, कौन से रेट लेवल आप यूज कर रहे हैं। रेट देखें, रेट जीरो मीन्स के नो रेट, रेट जीरो मीन्स के वो स्ट्राइपिंग कर रहा है, रेट वन मीन्स के मिरर हो रहा है, रेट फाइव मीन्स के
स्ट्राइपिंग भी कर रहा है और मिररिंग भी कर रहा है, लेकिन ये एक्सटेंसिव होता है, ये वो एक्सपेंसिव होता है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, क्योंकि ये पैरिटी राइड करता है, पैरिटी पैरिटी बिट्स राइड करता है। आपको जो पूरा मिरर नहीं राइड करता, उस मिरर को आपका जो डाटा होता है प्राइमरी डाटा, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जो मिनिमम डाटा चाहिए होता है ना, वो राइड करता है दूसरी डिस्क के ऊपर। तो दिस इज कॉल्ड पैरिटी, दिस इज परफॉर्मेंस किलर आजकल के इन्वायरमेंट में ना। ये अगर आपके DB सर्वर्स हैं उसके ऊपर आपने रेड 5 किया हुआ है और वो राइट इंटेंसिव आपके एप्लीकेशंस हैं, OLTP टाइप की जो डेटा बेसिस होती हैं वो राइट इंटेंसिव होती हैं, तो वहां पे ये बहुत सारे परफॉर्मेंस के इश्यूज क्रिएट करता है रेड 5। तो बहरहाल जो भी आपने रेड किया हुआ, लेट से आपने अंडरलाइन जो डिस्क हैं उनके ऊपर कोई रेड किया हुआ, अज्यूम करते हैं आपने या तो रेड 1 किया हुआ या रेड 5 किया हुआ, तो इन एनी केस दोनों में आपको टॉलरेंस मिल रही है, फॉल्ट टॉलरेंस मिल रही है, ठीक है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है, एक डिस्क क्रैक होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपने हार्डवेयर लेवल पे ऑलरेडी कोई रेड इंप्लीमेंट कर लिया हुआ है, तो फिर ASM लेवल पे वो जो डिस्क हैं आपको मिल रही हैं उनके ऊपर दोबारा से फिर ASM लेवल पे जाके मिररिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ASM आपको ऑप्शन देता है कि आप ASM की मिररिंग यूज करना चाहते हैं, तो अगर आपने हार्डवेयर लेवल पे ऑलरेडी रेड इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ तो देन यू शुड गो फॉर द मिररिंग एट द ASM लेवल, लेकिन अगर आपने हार्डवेयर लेवल पे ऑलरेडी मिरर किया हुआ है या कोई रेड इंप्लीमेंट किया हुआ है तो देन आप इसको अवॉइड कर सकते हैं ASM लेवल पे, अदरवाइज वो स्टोरेज जो है वो आपके पास काफी कम बचेगी और वो कॉस्ट वाइज काफी ज्यादा हाई हो जाएगा। अच्छा, अभी हम करेंगे क्या, हमारे पास रेड हैट इंटरप्राइज लाइनक्स 5 है, तो लाइनक्स के केस में हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे ASM को कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं, डिस्क ग्रुप्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड डिस्क को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि लाइनक्स में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं डिस्क को ASM के अंदर यूज करने के लिए। तो हम लोग करेंगे क्या, स्टेप्स ये हैं कि सबसे पहले तो हम पार्टीशन करेंगे उस डिस्क की, आइडियली एक डिस्क के ऊपर एक ही पार्टीशन होनी चाहिए, पार्टीशन करेंगे लेकिन फॉर्मेट नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा, पार्टीशन करेंगे लेकिन वो फॉर्मेट नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर्मेट करने से ऊपर उससे उसके ऊपर फाइल सिस्टम आ जाएगा। तो पार्टीशन करेंगे और पार्टीशन टाइप शुड बी, अगर आपने उसको ASM के अंदर यूज करना है तो पार्टीशन टाइप शुड बी प्राइमरी पार्टीशन, आप LVM भी यूज कर सकते हैं, LVM बना सकते हैं, लेकिन हम अभी LVM की तरफ जा नहीं रहे, हम पार्टीशन करेंगे। पार्टीशन करने के बाद हमारे पास लाइनक्स में दो ऑप्शन हैं कि हम पार्टीशन डिस्क को आइदर हम एक होती है रॉ डिवाइसेज लाइनक्स के अंदर, या तो हम रॉ डिवाइसेज के थ्रू उन पार्टीशंस को मार्क कर लें या उन पार्टीशंस को ASM के लिए, क्योंकि सिंपल एक पार्टीशन आपकी हुई है डिस्क और वो आप ASM में डायरेक्ट यूज करना चाहेंगे तो वो उसको रिकग्नाइज नहीं करेगा, उसको या तो रॉ डिवाइस बनाना पड़ेगा, उसके लिए लाइनक्स में एक प्रॉपर तरीका है रॉ डिवाइस बनाने का, आप रॉ डिवाइसेज बनाते हैं और एक पार्टीशन को एक रॉ डिवाइस से आप एसोसिएट कर देते हैं, या तो रॉ डिवाइसेज के साथ उसको एसोसिएट कर दें पार्टीशंस को, या दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास कि आप ओरेकल का एक पैकेज दिया हुआ है या एक सॉफ्टवेयर है ASM लिब के नाम से, ASM लिब, ये सिर्फ लाइनक्स के केस में अवेलेबल है, यूनिक्स और विंडोज के केस में ASM लिब नहीं है अभी। तो ASM लिब के थ्रू आप क्या करें, उन वो जो पार्टीशंस आपने क्रिएट किए उनको मार्क कर लें या कॉन्फ़िगर कर लें, ठीक है। तो जब आप या तो रॉ डिवाइसेज के थ्रू करें या ASM लिब के थ्रू करें या दोनों मिक्सचर करके कर सकते हैं आप, कुछ पार्टीशंस आप रॉ डिवाइसेज के थ्रू कर लें, कुछ ASM लिब के थ्रू कर लें, द रिकमेंडेड अप्रोच इज ASM लिब, क्योंकि रॉ डिवाइसेज में बहुत सारे परमिशन इशू आ जाते हैं, जब भी मशीन रीबूट होती है तो परमिशन रीसेट हो जाती है, तो वो आपको देखना होगा, हर वो स्क्रिप्ट्स में आप अगर लिख के करते हैं तो ऑटोमेटिकली हर स्टार्टअप पे वो परमिशन सेट कर देता है, लेकिन ओरेकल रिकमेंड करता है कि आप ASM लिब करें और ज्यादातर 90% यही होता है कि ASM लिब ही होती है। आहिस्ता आहिस्ता रॉ डिवाइसेज की सपोर्ट खत्म हो रही है लाइनक्स के अंदर, तो बाद में भी आपने अल्टीमेटली जाके अगर आपने ASM लिब पे शिफ्ट होना है अगर लाइनक्स यूज करें तो आप शुरू में ही ASM लिब के ऊपर चले जाते, तो हम ASM लिब ही यूज करेंगे, हम पार्टीशन करेंगे ASM लिब के का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, ASM लिब के सॉफ्टवेयर के थ्रू वो जो पार्टीशन हमने क्रिएट किए होंगे उनको मार्क करेंगे और फिर हम ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का ओरेकल का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करेंगे और उन जो मार्क पार्टीशन है उनके ऊपर हम डिस्क ग्रुप्स बनाएंगे। क्लियर है जी, आपको समझ आ गया ये, अब हम जरा पार्टीशन क्रिएट कर, तो लाइनक्स में पार्टीशन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आप डिस्क आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी डिस्क हैं, कौन सी डिस्क आपने यूज करनी है, ये उसको बाद में डिस्कस करेंगे। रॉ डिवाइसेस वो होती हैं लाइनक्स के अंदर जो कि अनपार्टीशन डिस्क जो कि या पार्टीशन डिस्क जो कि फॉर्मेट नहीं है उनको रॉ डिवाइसेस कहते हैं, उनके ऊपर कोई फाइल सिस्टम नहीं है, ठीक है, अनफॉर्मेटेड। अच्छा जी, मैं ये कर रहा हूँ जी कि क्योंकि हमने ये HDC डिस्क यूज करनी है इसमें हमारे पास फ्री स्पेस अवेलेबल है, तो मैं करूंगा जी /dev/HDC, वो आप ये आपके उस पूरे इसके इसके आगे वो प्रॉम्प्ट्स आएंगे डिफरेंट, उस पर आपने वो डिफरेंट ऑप्शंस देने हैं, तो ये पार्टीशनिंग
क्रिएट कर देगा। तो उसमें लिखा हुआ जी कि अगर आपको इसकी कमांड्स नहीं पता क्या करना है, आपने कैसे करना, तो एम लिख के आप एंटर करके तो हेल्प दे देगा। तो एम लिख के आप एंटर करेंगे तो ये सारी आपको डिटेल्स दे रहा है। तो आपने हमने करनी है एक नई पार्टीशन क्रिएट करनी है, तो एन फॉर न्यू पार्टीशन है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, आप पी करेंगे तो वो प्रिंट कर देगा पार्टीशन टेबल कितनी पार्टीशन हुई है, एन करेंगे तो न्यू पार्टीशन, तो हम एन करते हैं जी। अच्छा पार्टीशन वो एक्सटेंडेड पार्टीशन बनानी है या प्राइमरी बनानी है, तो हमने प्राइमरी बनानी है, ठीक है जी। पी करेंगे पार्टीशन नंबर बताएगा, एक पार्टीशन ऑलरेडी हुई है, हम लेट से वन करके देखते हैं। तो उसने कहा जी कि पार्टीशन वन इज ऑलरेडी डिफाइंड, डिलीट एंड री एड, ठीक है जी। एक पार्टीशन को भी हमें पता है, हमने देखी हुई थी इसके ऊपर ऑलरेडी हुई हुई थी, तो हम टू कर देते हैं। हाँ जी टू नहीं नहीं सॉरी एन करेंगे, प्राइमरी पार्टीशन, पार्टीशन नंबर पूछ रहा है टू। अच्छा जी अब ये साइज पूछ रहा है, फर्स्ट सिलेंडर कहाँ से स्टार्ट करें, डिफॉल्ट जो भी वैल्यू देगा आपने वो एक्सेप्ट कर लेनी है, और देन आपसे पूछेगा कि मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए। तो आपने प्लस और लेट से हम दे देते हैं जी 5000 एम कैपिटल प्लस, और आगे साइज देके एम दे देंगे तो एम बीज में होगा, प्लस साइज देके के देंगे तो के बीज में होगा। तो प्लस 5000 मैंने एम दे दिया, तो इसका क्या मतलब है, अगर आप सिंपली यहां पे कुछ भी नहीं देंगे ना ये, और सिंपली एंटर कर देंगे तो जितनी भी फ्री स्पेस होगी उसके ऊपर पूरी एक पार्टीशन बना देगा। तो अगर आप एक डिस्क के ऊपर एक ही पार्टीशन बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप सिंपली, या वो आपसे स्टार्ट सिलेंडर पूछेगा उसमें भी सिंपली एंटर कर देना, एंड सिलेंडर पूछेगा तो उसमें भी सिंपली एंटर कर देना, तो वो पूरी डिस्क के ऊपर एक ही पार्टीशन बना देगा। हम क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें एएसएम में मल्टीपल डिस्क नजर आए, हमारे पास फिजिकली मल्टीपल डिस्क है नहीं, हम सिमुलेट करना चाह रहे हैं, तो हम इसलिए एक डिस्क के ऊपर मल्टीपल पार्टीशन बना रहे हैं, ठीक है जी। तो 5000 एंड मीन्स के 5 अराउंड 5 GB का ये आपकी एक पार्टीशन होगी। तो मैं ओके कर देता हूँ, डब्ल्यू लिख के एंटर करेंगे तो ये पार्टीशन सेव। अगर इसके डब्ल्यू के बगैर आप क्विट हो जाते हैं तो वो पार्टीशन जी डिवाइस और रिसोर्स बिजी है, तो पार्टीशन जो रीसिंक होगी वो नेक्स्ट रिबूट पे चले, ठीक है हम रिबूट कर लेंगे। अच्छा एक और पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं, एन को न्यू पार्टीशन, पी फॉर प्राइमरी, थर्ड पार्टीशन क्रिएट करते हैं, साइज पूछेगा जी प्लस 5000 एम डब्ल्यू। थर्ड पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं प्राइमरी, अब वो पार्टीशन नंबर उसने नहीं पूछा, उसने खुद ही ले लिया, क्योंकि मैक्सिमम 4 प्राइमरी पार्टीशन हो सकती हैं आपकी एक विंडोज और लाइनक्स की एनवायरनमेंट में। इसी तरीके से देख लेते हैं अगर दूसरी डिस्क में कोई फ्री स्पेस है तो उस पर भी एक पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं, उस पर भी मल्टीपल पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं, और फिर मशीन को रीबूट कर देंगे। कर तो दिए उसमें फ्री स्पेस नहीं है, ठीक है, तो हमें पार्टीशन क्रिएट करने चाहिए लेकिन उसमें उसको कोई फ्री स्पेस नहीं दिए। तो हमारे पास अब ये 3 पार्टीशन हैं जो कि हम एएसएम में जाके यूज कर सकेंगे। ये पहला काम तो हो गया, अब हमने करना ये है कि एएसएम लिब का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, और फिर हमने उसके थ्रू सारी इंस्टॉलेशन कर ली। वो सॉफ्टवेयर मेरे पास, वो जो सॉफ्टवेयर ओरेकल वो एएसएम लिब है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप ओरेकल की लाइनिक्स यूज करें, ओरेकल इंटरप्राइज लाइनिक्स, तो वो तो फिर ओएस की डीवीडी में ही होगा, लेकिन अगर आप रेड हैट यूज कर रहे हैं या कोई और फ्लेवर यूज कर रहे हैं तो फिर आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा ओरेकल की साइट से। तो आप एएसएम लिब लिख के एंटर करेंगे तो आपको साइट बता देगा। तो आपने उसके 3 आरपीएम जो आपने इंस्टॉल करने हैं, यूनेम माइनस आर करेंगे तो आपको बताएगा आपके कर्नल की रिलीज क्या है। मेरे केस में कर्नल की रिलीज है 2.6.18-194, ये कर्नल की रिलीज है। तो आपके एक पर्टिकुलर आरपीएम ऐसा होगा जो कर्नल की रिलीज के हिसाब से आपने करना होगा। अगर आपने लोअर रिलीज का या हायर रिलीज का कर दिया इंस्टॉल, वो इंस्टॉल तो हो जाएगा लेकिन फिर ये होगा कि वो कॉन्फ़िगरेशन के वक्त आपको इशू देगा, एरर देगा आपको। तो इसलिए मेक श्योर करना है कि आप अपने एक पर्टिकुलर आरपीएम है जो कि कर्नल की रिलीज के हिसाब से हो। तो मैं देखता हूँ मेरे पास अगर ऑलरेडी है डाउनलोडेड तो मैं वो यूज कर लेता हूँ, अदरवाइज हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये आरपीएम है, एक पर्टिकुलर आरपीएम है ओरेकल एएसएम के नाम से आरपीएम है। 3 आरपीएम आपने इंस्टॉल करने हैं, एक एएसएम लिब के नाम से है ओरेकल एएसएम लिब, एक है ओरेकल एएसएम डैश सपोर्ट, ये तो दो कोई भी आप लेटेस्ट रिलीज के कर लें या कोई भी कर लें आप, ठीक है, लेकिन वो होने चाहिए आपके पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के हिसाब से। अगर आपका वो
आइए वो है 64 बिट प्लेटफॉर्म है तो उस हिसाब से करें, अगर वो i386 प्लेटफॉर्म है तो वो करें, x86 है तो उस हिसाब से करेंगे आप, ठीक है। और ये जो आरपीएम है ये डिफरेंट कर्नल्स के देखें, जैसे मेरे केस में वो है कर्नल रिलीज है 194, तो ये 194 का, ये तीन आरपीएम होंगे जो कि मैं अपनी इस मशीन के ऊपर इस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर इंस्टॉल करूंगा और फिर मैं उसको कन्फिगर करूंगा डिस्क को एएसएम के अंदर यूज करने के लिए। तो ये मैं आरपीएम वहां पर शिफ्ट कर देता हूँ। इसके थ्रू नहीं जा रहा था, सिक्योर शेल यूज कर लेते हैं। आपने किसी भी तरीके से वो फाइल्स वहां पे शिफ्ट करनी है, यूएसबी में कॉपी कर लें, नेटवर्क के थ्रू कॉपी कर लें आप। तो यूएसबी में ट्रांसफर कर लेते हैं जी। ओके जी, तो ये पूरा मैं फोल्डर यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। जी ये आरपीएम से है मेरे पास, तो ये वन बाय वन इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आरपीएम माइनस आईवीएच और फिर आरपीएम का अगर आप नाम दें ओरेकल एएसएम डैशबोर्ड, पहले सपोर्ट करेंगे फिर ओरेकल एएसएम लिब वाला आरपीएम, नहीं लिब से पहले हमें ये करना पड़ेगा। देन आप एएसएमयू का आरपीएम, वंस ये तीनों आरपीएम इंस्टॉल हो जाएं तो आपने सिंपली इसको कॉन्फ़िगर कर लेना है। आप करेंगे स्लैश etc स्लैश init डॉट डी ओरेकल एएसएम स्पेस कॉन्फ़िगर। ओके जी, अभी आपसे पूछेगा जी के ये जो एएसएम लिब का सॉफ्टवेयर है ये यूज कौन करेगा, डिफॉल्ट यूजर टू ओन द ड्राइवर इंटरफेस। तो हमने क्योंकि सारी इंस्टॉलेशन ओरेकल यूजर से करनी है, ओएस पे जो यूजर आपने बनाया है जैसे आपने एएसएम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है उस यूजर का नाम आपने यहाँ पे नाम देना। आपने ग्रिड के नाम से सॉफ्टवेयर यूजर बनाया तो ग्रिड के नाम से दे दें, ओरेकल के नाम से बनाया तो ओरेकल का यूजर नेम दे दें। ओरेकल उसका ग्रुप कौन सा है जी, आईडी लिख के एंटर कर देते हैं तो डीबीए उसका ग्रुप है मेरे केस में, तो आप यहाँ पे डीबीए देंगे। आपने जो ग्रुप उसको प्राइमरी ग्रुप है वो आप उसका दे देंगे। देन वो आपसे पूछेगा जी एएसएम लिब ड्राइव लाइब्रेरी का जो ड्राइवर है वो अगर आपकी मशीन रीबूट हो तो वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए, डेफिनेटली तो आपने येस करना है।
स्कैन फॉर एएसएम डिस्क ऑन बूट, यस करना है आपने। और ये अगर आपने आरपीएम सही इंस्टॉल किए थे तो आपको यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, ये सक्सेसफुली कंफिगर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने आरपीएम सही इंस्टॉल नहीं किए तो फिर यहाँ पे वो एरर दे देगा आपको, ठीक है। तो ये आपका प्री रिक्विजिट ऑलमोस्ट हो गया, आपने एएसएमडी के आरपीएम इंस्टॉल कर लिए हैं, उसको कन्फिगर कर लिया। अब इन आरपीएम को यूज एएसएमडी के सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए आप डिस्क को मार्क करेंगे। तो मैं एफ डिस्क माइनस एल करके आपको दिखा देता हूं। तो हमने जो डिस्क अभी क्रिएट की हैं, वो मैंने ये तीन पार्टीशन क्रिएट किए, डेफ एच डी सी टू से सी फोर तक, ठीक है। तो मैं करूंगा जी स्लैश ई टी सी स्लैश इनिट डॉट डी ओरिकल ए एस एम क्रिएट डिस्क, डिस्क का कोई नाम दे दूंगा, लेट्स मैं इसको वॉल वन दे देता हूँ, और स्लैश डेफ स्लैश एच डी सी टू फेल था उसने किया, क्योंकि हमें शुरू में उसने मैसेज दिया था कि मशीन आपको रीबूट करनी पड़ेगी वो इफेक्टिव करने के लिए। तो मैं एक दफ़ा मशीन रीबूट कर लेता हूँ, जब ये रीबूट हो जाए तो फिर उसको देखते हैं। तो ए एस एम का आर्किटेक्चर क्या जी, ए एस एम द ए एस एम इंस्टेंस इज अ कम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसर एंड मेमोरी कंपोनेंट फॉर ए एस एम। तो इसका अपना एस जी ए है, जी मतलब शेयर्ड पूल है, लार्ज पूल है, जैसे डेटाबेस बफर कैशे होती है आपकी डेटाबेस के अंदर, इसमें ए एस एम कैशे बताती है। आप उसमें प्रेस करें जी F1 और फ्री मेमोरी अवेलेबल होती है। देन इसके अपने बैकग्राउंड प्रोसेस हैं आर पैल के नाम से, ए आर बी जी मॉन ओ एन एन पी जी 9 और मार्क, ये मल्टीपल प्रोसेस हैं जो ए एस एम इंस्टेंस से बिलोंग करते हैं। तो अगर आपकी एक सर्वर के ऊपर आपने ए एस एम भी किया और डेटाबेस भी किया तो वहाँ पे आपके दो इंस्टेंसेज आपको मिलेंगे। एक ए एस एम का इंस्टेंस मिलेगा जो कि डिस्क ग्रुप्स को मैनेज कर रहा होगा, उसने अपनी मेमोरी एरिया आपको पाई किया होगा, उसके कुछ बैकग्राउंड प्रोसेसेस चल रहे होंगे, और एक आपकी डेटाबेस का इंस्टेंस होगा जो कि आपकी डाटा फाइल्स कंट्रोल फाइल्स ब्लॉक फाइल्स को एक्सेस कर होगा, और यूजर्स आपके डेटाबेस के इंस्टेंस को के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, और आपका डाटा वहां पर स्टोर हो रहा होगा। ये प्रोसेसेस हैं जी आर बैल और ए आर बी, ये प्रोसेसेस हैं, ये क्या करते हैं, रीबैलेंसिंग करते हैं डिस्क ग्रुप्स की, डिस्क ग्रुप रीबैलेंसिंग करते हैं। दो प्रोसेसेस हैं जो कि डिस्क ग्रुप रीबैलेंसिंग करते हैं, एक आपका ए आर बी का प्रोसेस है और एक आर बैल का प्रोसेस है। आर बैल एक ही प्रोसेस होता है, ए आर बी मल्टीपल हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। ये क्या करते हैं, क्या ये दोनों प्रोसेसेस मिलकर डिस्क ग्रुप रीबैलेंसिंग करते हैं। अच्छा, ये डिस्क ग्रुप रीबैलेंसिंग क्या है, जैसे से आपने इनिशियली एक डिस्क ग्रुप क्रिएट किया दो डिस्क के साथ, डाटा वन के नाम से या डाटा के नाम से, और इस डिस्क ग्रुप के ऊपर आपने कोई फाइल क्रिएट की लेट से, तो वो या कोई डाटा आपने प्लेस किया, तो ओरेकल क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो जो डाटा आप इस पर प्लेस करेंगे वो चंक्स में डिस्ट्रीब्यूट करके दोनों डिस्क में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जैसे आपने 50 MB डाटा किया या 50 MB की एक फाइल बनाई, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा दोनों डिस्क के अंदर, 25 MB एक डिस्क के ऊपर स्पेस एलोकेट करेगा, 25 MB दूसरी डिस्क में से स्पेस एलोकेट करेगा। आप बाद में क्या करते हैं, इस डाटा के डिस्क ग्रुप में एक और तीसरी डिस्क ऐड कर देते हैं, तो अब ओरेकल ऑटोमेटिकली ये करेगा कि इन दोनों डिस्क में से प्रोपोर्शन ऑफ डाटा उठाएगा और तीसरी डिस्क पे शिफ्ट करना शुरू कर देगा, ताकि वो इवनली सारी डिस्क यूज हो रही हो। तो दैट इज कॉल्ड डिस्क ग्रुप रीबैलेंसिंग। आप किसी डिस्क ग्रुप में कोई डिस्क ऐड करें या कोई डिस्क रिमूव करें, वो आपका डिस्क ग्रुप रीबैलेंस होना शुरू हो जाएगा। और रीबैलेंस को कंट्रोल कर सकते हैं आप, वैसे बाय डिफॉल्ट होता है रीबैलेंसिंग खुद से होना शुरू हो जाती है, लेकिन आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि रीबैलेंसिंग ना हो या रीबैलेंसिंग आपके मर्जी के हिसाब से हो। तो एक प्रोसेस है, एक पैरामीटर है एएसएम का, एएसएम अंडरस्कोर पावर लिमिट के नाम से, ये 0 to 10 वैल्यूज की सेट की जा सकती है। 0 मींस कि ये डिसेबल्ड है, बाय डिफॉल्ट में हमें ये 1 या 2 होता है। द हायर द वैल्यू द मोर रिसोर्सिस द रीबैलेंसिंग विल टेक, द मोर एग्रेसिव द रीबैलेंसिंग विल बी एंड इट विल टेक लेस टाइम टू कंप्लीट, ठीक है। रीबैलेंसिंग जल्दी हो जाएगी लेकिन वो रिसोर्सेज अच्छे खासे लेगी, और इसकी वैल्यू अगर कम है तो रीबैलेंसिंग देर से करोगी लेकिन वो सिस्टम के ऊपर लोड ज्यादा नहीं डालेगी। तो पी कार्ड्स में अगर आपने कोई डिस्क डाली है तो बेशक पावर लिमिट को 0 कर दें या आप इसको 1 या 2 सेट कर दें ताकि रीबैलेंसिंग होती रहे बैकएंड पे और थोड़ी थोड़ी कम रिसोर्सेज ले, बेशक वो टाइम ज्यादा ले ले। जब ऑफ पी कार्ड शुरू हो जाए तो इसकी, और ये डायनेमिक पैरामीटर है तो इसकी, इस पैरामीटर की वैल्यू आप इंक्रीज कर लें और बाद में आप इसको डिफॉल्ट वैल्यू पे वापस ले लें, ठीक है।
तो बाय डिफॉल्ट इसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, मे बी 1 है या 2 है, जो भी है वो आप देख लेंगे हम जब इंस्टॉलेशन करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपका जब भी डिस्क ग्रुप में कोई डिस्क ऐड करेंगे या डिस्क रिमूव करेंगे, इन एनी केस वो डिस्क ग्रुप को रीबैलेंस करेगा। अगर लेट से 4 डिस्क थी, डिस्क ग्रुप में एक डिस्क रिमूव करें तो उसका उस डिस्क का डाटा बाकी सर्वाइविंग डिस्क के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो डिस्क ग्रुप रीबैलेंसिंग होगी। ठीक है जी। तो एआरबी का जो प्रोसेस है, आरपीएल का जो प्रोसेस है, दैट इज पेरेंट प्रोसेस, दैट इज कोऑर्डिनेटर, ये कोऑर्डिनेशन करता है। जब कोई डिस्क ऐड होती है तो ये प्रोसेस है जो कि मास्टर प्रोसेस है, ये क्या करता है ये देखता है जी। और ये एक्चुअली आपके बहुत सारे एआरबी प्रोसेसेस इन्वोक करता है, उनको कहता है कि प्रोसेस रीबैलेंसिंग करो। एआरबी का मतलब है एक्चुअल रीबैलेंसिंग, एआरबी का मतलब है एक्चुअल रीबैलेंसिंग। तो एआरबी प्रोसेस एक्चुअली रीबैलेंसिंग कर रहे होते हैं और आरपीएल का प्रोसेस उन एक्चुअल रीबैलेंसिंग प्रोसेसेस को मॉनिटर कर रहा होता है, उनसे काम करा रहा होता है, ये मास्टर प्रोसेस है। ठीक है। ये डम्प्स में अगर आपको कोई क्वेश्चन आएंगे, अगर आपको अटेम्प्ट करने जाएंगे एग्जाम, तो आपसे ये पूछेगा कि ये प्रोसेस क्या करते हैं, कौन सा प्रोसेस क्या करते हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए इसका। ओके देन है जी, ये दो प्रोसेसेस आपको समझ आ गए। जी मॉन, ये आपके डिस्क ग्रुप लेवल की एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डिस्क ग्रुप में कोई डिस्क ऐड करनी है, कोई डिस्क ग्रुप डिस्क ड्रॉप करनी है, कोई डिस्क ग्रुप को ऑनलाइन करना है, डिस्क ग्रुप को ऑफलाइन करना है, तो ये जी मॉन का प्रोसेस करता है। मार्क का प्रोसेस क्या करता है, जब भी कोई स्पेस एलोकेशन डी एलोकेशन की रिक्वेस्ट आती है, लेट्स से डेटाबेस ने एक डेटा फाइल ऐड करनी है डिस्क ग्रुप के ऊपर, तो मार्क का प्रोसेस वो क्या करेगा, एक्चुअली जाके डिस्क के ऊपर स्पेस एलोकेशन डी एलोकेशन करेगा। ONN का मतलब है मल्टीपल प्रोसेसेस हो सकते हैं, वन और मोर ASM स्लेव प्रोसेसेस फॉर्मिंग अ पूल ऑफ कनेक्शंस टू ASM इंस्टेंस फॉर एक्सचेंजिंग मैसेजेस। अब जब आपका डेटाबेस सर्वर अप होता है या डेटाबेस सर्वर डाउन होता है, तो उसने डेटाबेस फाइल्स पे चेक पॉइंट करना होता है। ठीक है, डेटाबेस फाइल्स के साथ कम्युनिकेशन करनी होती है, तो ASM साइट के ऊपर ONN का प्रोसेस है, या O1A, O2, O3 के प्रोसेस है, जो कि क्या करते हैं आपकी डिस्क ग्रुप्स की रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपकी ASM आपके नॉर्मल डेटाबेस इंस्टेंस को देते हैं, और फिर डेटाबेस इंस्टेंस उस बेस के ऊपर आपकी डेटाबेस फाइल से कम्युनिकेशन करता है, क्योंकि डेटाबेस को नहीं पता कि आपकी डेटा फाइल्स कहाँ कहाँ पड़ी हुई है, उसका उसको स्प्रेड आउट करके कैसे रखा हुआ है ASM के ऊपर, वो ASM को पता है। तो ASM का ONN का प्रोसेस है, क्योंकि ये सारी कम्युनिकेशन करता है आपके डेटाबेस सर्वर के साथ। लॉग इन भी कर दिया एंड देन सो ऑन। ये आपके पास प्रोसेसेस हैं जो कि ASM इंस्टेंस के प्रोसेस हैं, जो कि इस तरीके से काम करते हैं। और ये ASM इंस्टेंस की एक पैरामीटर फाइल है जिसको SP फाइल कहते हैं। जैसे हर इंस्टेंस की एक पैरामीटर फाइल होती है, आपके नॉर्मल हमने डेटाबेस इंस्टेंस को हमने देखा था कि कैसे शटडाउन स्टार्टअप करते हैं, कैसे पैरामीटर देखते हैं, कैसे पैरामीटर चेंज करते हैं, इसी तरीके से ASM इंस्टेंस की भी अपनी पैरामीटर फाइल है। उसमें कुछ स्टैटिक पैरामीटर्स हैं, कुछ डायनेमिक पैरामीटर्स हैं। इसमें मैंडेटरी जो पैरामीटर है वो इंस्टेंस टाइप का है, आपके ASM इंस्टेंस के अंदर जो पैरामीटर है वो मैंडेटरी पैरामीटर इंस्टेंस टाइप वो ASM होता है, बाकी पैरामीटर्स वो ऑप्शनल हैं, वो उनकी कोई ना कोई डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं। ASM पावर लिमिट जैसे मैंने आपको बताया, ASM डिस्क स्ट्रिंग्स में बताया कि कौन कौन सी डिस्क, ये एम्प्टी हो तो वो सारी डिस्क रिकॉग्नाइज कर लेता है। ASM डिस्क ग्रुप्स, कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो कि इस ASM इंस्टेंस से जब स्टार्ट होना है तो वो माउंट करने हैं, एंड सो ऑन, ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। फिर आपके मेमोरी के पैरामीटर्स जो कि आप एडजस्ट करते हैं, तो आगे चल के ऐसे ऐसा डिस्कस करते हैं उनको। इसकी ASM इंस्टेंस की अपनी पैरामीटर फाइल होती है। ठीक है, जब हम क्रिएट करेंगे जी जी बिल्कुल, जैसे डेटाबेस इंस्टेंस की SP फाइल होती है डेटाबेस के होम में DBS के फोल्डर में, इसी तरीके से ASM इंस्टेंस की अपनी SP फाइल होगी ASM के Oracle होम में DBS के फोल्डर में। रूट यूजर से आ जाते हैं इस मशीन पे जी, और दोबारा से मशीन हमने रीबूट कर ली है ASM Oracle ASM के यूटिलिटी के थ्रू। हम कॉन्फ़िगर करते हैं, क्रिएट डिस्क करते हैं जी, क्रिएट डिस्क, डिस्क का कुछ जो मर्जी नाम देते हैं आप, डिस्क वन, डिस्क टू, डाटा वन, डाटा टू, यूजली हम वॉल वन देते हैं जी, स्लैश डेव स्लैश /HTC2। ठीक है जी। तो इस पर्टिकुलर पार्टीशन को उसने मार्क कर दिया, सिर्फ मार्क नहीं किया, इस पार्टीशन के ऊपर हेडर रीजन लिख दिया एक्चुअली, और उसमें लिख दिया कि ये डिस्क जो है ASM के अंदर जाके यूज होगी। इसी तरीके से हम वॉल टू क्रिएट करते हैं फॉर HTC3 के लिए, और फिर हम वॉल थ्री क्रिएट कर देते हैं HTC4 के लिए। तो आपकी जितनी डिस्क होंगी उन सब के लिए आप इस तरीके से वॉल्यूम्स क्रिएट करेंगे, जो मतलब इसको मार्क कर लेंगे आप।
ये आपने प्री रेक्विजिट हो गए, बाकी प्री रेक्विजिट वही है हमने जो ओरेकल के इंस्टॉलेशन में किए थे। हमने ओरेकल के इंस्टॉलेशन की हुई ना लाइनक्स के ऊपर, हमने ओरेकल के इंस्टॉलेशन में वो जो प्री रेक्विजिट्स किए हुए थे वो बाकी प्री रेक्विजिट्स वही है। वो क्या है जी कि आपने कर्नल पैरामीटर सेट करने हैं, आपने लाइनक्स के आरपीएम्स इंस्टॉल करने हैं, आपने यूजर क्रिएट करना है, आपने ग्रुप क्रिएट करना है, आपने परमिशन सेट करनी है, ये सारा काम आपने आपने करना है। तो वो प्री रेक्विजिट वही है। अगर आप एएसएम यूज करना चाह रहे हैं तो ये एक एक्स्ट्रा चीज है जो आपने करनी है, तो वो हमने कर ली हुई है। मैं सॉफ्टवेयर कॉपी कर लूँ ओरेकल का, ओरेकल क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर का सॉफ्टवेयर। तो ये आपका ये सॉफ्टवेयर, ये अभी भी अनफॉर्मेटेड है, इनपे कोई फाइल सिस्टम नहीं है। ओके, ये ओरेकल का सॉफ्टवेयर है जी, 11 year रिलीज टू ग्रिड के नाम से, ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इसको सॉफ्टवेयर को कहते हैं, ओरेकल ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का सॉफ्टवेयर है। अच्छा, एएसएम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था ओरेकल 10G में, 10G ऑनवर्ड ये ओरेकल ने इंट्रोड्यूस किया, इससे पहले नहीं था। 9.9 में ओरेकल का ये कोई फाइल सिस्टम नहीं था, या स्टोरेज मैनेजमेंट का कोई सोल्यूशन नहीं था, आपको थर्ड पार्टी के ऊपर या ओएस के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता था। 10G ऑनवर्ड ओरेकल ने एएसएम इंट्रोड्यूस किया। 10G तक या 11G, 10G से लेकर यानी कि 10G रिलीज 1 एंड 10G रिलीज 2 और फिर 11G रिलीज 1, ये तीन जो आपकी मेन रिलीजेस थी जिसने ये डेटाबेस के सॉफ्टवेयर के साथ ये पैकेज डाला था। ये आपको आपने डेटाबेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो आपका एएसएम भी साथ ही इंस्टॉल हो गया। आपने डीबीसीए चलाया तो उसमें ऑप्शन देता था कि आपने डेटाबेस क्रिएट करनी है या एएसएम इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो आप डेटाबेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के साथ ही डीबीसीए रन करते थे तो आपको ऑप्शन देता था कि एएसएम इंस्टेंस कन्फिगर करना है या एएसएम क्रिएट करना है या डेटाबेस क्रिएट करना। तो आप पहले डीबीसीए चला के एएसएम क्रिएट करते थे, फिर दोबारा डीबीसीए चला के डेटाबेस क्रिएट करते थे। ये था 11G रिलीज 1, 10G रिलीज 1, 10G रिलीज 2 और 11G रिलीज 1 में। और 11G रिलीज 2 में ओरेकल ने क्या किया कि एएसएम को अलग कर दिया डेटाबेस के सॉफ्टवेयर से और एक सॉफ्टवेयर दे दिया आपको ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से। ये ग्रिड के नाम से मल्टीपल ओरेकल के सॉफ्टवेयर हैं तो वो ख्याल रखिएगा, ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर। इलेवन जी ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, 11G रिलीज 2 ऑनवर्ड आया ये। ये ग्रिड कंट्रोल के नाम से भी ओरेकल का सॉफ्टवेयर है, वो टोटली डिफरेंट है, दैट इज समथिंग एल्स। वो मैनेजमेंट मॉनिटरिंग का एक टूल है, मैनेजमेंट का एक टूल है पूरी इन्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए, वो एक डिफरेंट चीज है। ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसमें दो चीजें हैं, एक तो आपका एएसएम है और एक आपका क्लस्टर वेयर है। क्लस्टर वेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको क्लस्टरिंग के लिए चाहिए होता है, ओरेकल का अपना क्लस्टर वेयर है, तो वो दोनों पैकेज करके उसने ओरेकल ने ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से सॉफ्टवेयर दे दिया। तो अगर आपने एक सिंगल इंस्टेंस डेटाबेस क्रिएट करनी है लेकिन उसमें एएसएम यूज करना चाहते हैं तो आपको ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि आप एएसएम यूज करना चाह रहे हैं। और अगर आप रैक इंप्लीमेंट करना चाहते हैं रियल एप्लीकेशन क्लस्टर तो उस केस में भी ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसमें क्लस्टर वेयर भी यूज करेंगे और एएसएम भी आप यूज करेंगे। ठीक है, तो फॉर सिंगल इंस्टेंस और फॉर रैक दोनों केसेस में आपको ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अगर आप एएसएम यूज करना चाहते हैं सिंगल इंस्टेंस के केस में तो देन आपको ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाना पड़ेगा और हम यही करने जा रहे हैं। तो हमने प्री रेक्विजिट सारे कर लिए हुए हैं, अब हम सिंपली ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और सॉफ्टवेयर में कॉपी कर लेता हूँ, वंस ये हो जाए तो फिर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे इसको। समझ आ रही है कि नहीं, डिफिकल्ट तो नहीं है? जी जी कर सकते, लेकिन मेक श्योर कि आप अन इंस्टॉल करें तो फिर आपकी डेटाबेस की फाइल अगर इसके ऊपर है तो फिर वो पहले उनका बैकअप ले लें,
उनको नॉर्मल फाइल सिस्टम के ऊपर शिफ्ट कर दें, फिर आप एएसएम को डिलीट कर दें, उसका पूरा एक प्रोसेस है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा जी, ये सॉफ्टवेयर हमारे पास कॉपी हो गया 11G रिलीज टू ग्रिड अलायंस के लिए जो है, इसको अनजिप कर लेते हैं हम। बल्कि इसकी ओनरशिप जो है ओरेकल के यूजरों को दे देते हैं और वही उसी से अनजिप करते हैं। ओपन करता हूँ क्योंकि हम ग्राफिकली रूट यूजर से लॉगिन थे, तो इसलिए यहाँ पे सारे टर्मिनल में रूट यूजर से आ रहे हैं, और एक यूजर से स्विच कर देते हैं। तो मैं अनजिप करता हूँ, जिस यूजर से आपने इंस्टॉलेशन करनी है उसको अनजिप कर लें। मीनवाइल ये अनजिप होता है, हम जरा देख लेते हैं। हमने अभी जो थोड़े पहले डिस्क को मार्क किया था, वॉल वन वॉल टू वॉल थ्री, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं कि वो डिस्क नजर आ रही है कि नहीं। etc init.d और oracle asm लिस्ट डिस्क की कमांड है, लिस्ट डिस्क oracle asm। तो लिस्ट डिस्क करेंगे तो आपको डिस्क दिखा देगा, वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू वॉल्यूम थ्री मार्क है। डिलीट डिस्क के थ्रू आप वॉल्यूम को डिलीट कर सकते हैं आप, ठीक है, और स्कैन डिस्क के थ्रू आप डिस्क को स्कैन कर सकते हैं, और भी हैं आप इसकी हेल्प देख सकते हैं। स्कैन करेंगे तो अगर डिस्क वॉल्यूम नजर नहीं आ रहे तो स्कैन करेंगे तो वॉल्यूम्स नजर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके और भी मल्टीपल चीज़ें जो आपको देख सकते हैं। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया है, तो ये ग्रिड के नाम से एक फोल्डर बन जाएगा। इस फोल्डर में चले जाते हैं, रन इंस्टॉलर चलाएंगे इसमें, ये डिस्प्ले सेट नहीं होगा, एक्सेप्ट करते हैं और एक्स होस्ट प्लस कर लेते, क्योंकि हम रूट यूजर से लॉगिन थे इसलिए उसने डिस्प्ले जो है वो डिसेबल कर दिया था। तो रन इंस्टॉलर उसी तरीके से चलाएंगे हम। ओके जी, तो रन इंस्टॉलर चलाएंगे तो आप इंस्टॉलर इन्वोक हो जाएगा। तो इसमें हमने करना है इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अ क्लस्टर। आपके पास ऑप्शन है, हम क्लस्टर के लिए नहीं कर रहे, हम स्टैंड अलोन सर्वर के लिए कर रहे हैं। तो इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अ स्टैंड अलोन सर्वर, तो हम नेक्स्ट करेंगे। ये ऑप्शन सेलेक्ट करके लैंग्वेज आपने डिफॉल्ट जाने देनी है। अब ये देखें, उसने डिस्क रिकगनाइज कर ली है, वॉल वन वॉल टू वॉल थ्री, उनका साइजेस भी बता दिए उसने। तो लेट्स ये दो डिस्क मिला के, मैं बाद में एक डिस्क बेशक निकाल दूँ या तीनों डिस्क मिला के एक डिस्क ग्रुप बना लूँ, डिस्क ग्रुप का कोई नाम दे देंगे यहाँ पे आप। तो मेरे इस केस में डेटा बाय डिफॉल्ट वो डेटा का डिस्क ग्रुप डेटा के नाम से बना रहा है, आप जो मर्जी नाम दे दें। देन ये आपसे रिडेंडेंसी पूछ रहा है कि रिडेंडेंसी क्या रखनी है, एक्सटर्नल है, नॉर्मल है एंड हाई है। वो जो मैं आपसे पूछ रहा था वो कह रहा था आपको कि मिररिंग कर सकते हैं आप एएसएम लेवल पे। तो नॉर्मल रिडेंडेंसी रखेंगे तो टू वे मिरर करेगा, यानी कि आपके पास अगर लेट से 10 GB की 5-5 GB की दो डिस्क हैं तो आपको जो स्पेस टोटल मिलेगी वो 5 GB की मिलेगी, बाकी वो मिरर रखेगा, ठीक है। और अगर आप हाई रिडेंडेंसी रखते हैं तो लेट से आपके पास 3 डिस्क हैं 5-5 GB की, तो आपको तब भी 5 GB ही जगह मिलेगी, वो मिरर दो रखेगा, वो 3 वे मिररिंग होती है। और एक्सटर्नल रखेंगे तो इट मींस कि आप मिररिंग नहीं रखना चाह रहे एएसएम लेवल पे, आप ऑलरेडी आपने हार्डवेयर लेवल पे रेड इंप्लीमेंट किया हुआ है, तो फिर आप एक्सटर्नल रिडेंडेंसी रख लेंगे। तो मैं इस केस में भी एक्सटर्नल रख रहा हूँ ताकि हमें मैक्सिमम स्पेस मिले, लेकिन आप जो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से वो रखेंगे, ठीक है। अच्छा, आप इस लेवल पे जब आप इंस्टॉलेशन करेंगे ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो एक ही डिस्क ग्रुप बना सकते हैं, मल्टीपल नहीं बना सकते। बाकी ये डिस्क आपके पास अवेलेबल रहेगी, लेकिन ये बाद में इसको यूज करके आप डिस्क ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए ASM CA चला सकते हैं, SQL प्लस से जा सकते हैं, ASM CMD की यूटिलिटी के थ्रू जा सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन हैं डिस्क ग्रुप क्रिएट करने के। तो फिलहाल जब आप इंस्टॉलेशन करेंगे तो उस वक्त आपको एक डिस्क ग्रुप बनाने की वो ऑप्शन देगा। तो एक डिस्क ग्रुप बना लेते हैं डेटा के नाम से ही, और दो डिस्क उसमें मैंने सेलेक्ट करनी है, और एक्सटर्नल मेरे रेडिडेंसी रख ली है। नेक्स्ट करते हैं इसको, ऑल डिस्क करेंगे, एक ऐसी डिस्क भी आपको अनपार्टीशन जो डिस्क हैं वो भी दिखा देगा जो कि मार्क नहीं हुई हुई लाइनिक्स के हिसाब से, लेकिन वो यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो कैंडिडेट डिस्क मीन्स के जो कि यूज हो सकती है, जो रेडी हैं दैट कैन बी यूज, जिनको ऑलरेडी जी वो सिर्फ आपको ऑप्शन इसलिए है कि देखें आपके केस में आपके पास डिस्क हो सकती हैं, यानी कि आप देखना चाह रहे हैं कि आपको OS पे आपके पास रॉ डिस्क बहुत सारी हो सकती हैं। आप देखना, आपने लेट से कैंडिडेट डिस्क में आपको सारी डिस्क नहीं दिखा रहा, कुछ डिस्क वो आपको दिखा रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा, तो ऑल डिस्क के थ्रू आप देख सकते हैं कि ASM डिस्क ASM को डिस्क नजर भी आ रही है कि नहीं। तो कैंडिडेट डिस्क से
वो उसको डिस्क नजर आएंगी जो कि रेडी हैं, रेडी टू यूज हैं एएसएम के अंदर। लेकिन आर डिस्क में वो सारी डिस्क उसको नजर आनी चाहिए जो ओएस लेवल पे हैं और जिनके ऊपर आपके इस ओएस यूजर को एक्सेस है, लेकिन वो रेडी नहीं है। उनमें से कुछ रेडी है वहां से लेकिन कोई ऑप्शन है वहां कर सकते नहीं, वो आपको कमांड लाइन से जाके रूट यूजर से करना पड़ेगा, वो आप नॉर्मल यूजर से कर भी नहीं सकते। नेक्स्ट करते हैं जी इसको। ये डिस्कवरी पाथ भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे बाय डिफॉल्ट वो खुद ही करनी है आपको। लेट से आपकी जो डिस्क है वो शुरू होती है जी वो वॉल वन से नहीं, वो डाटा वन से, और आपको यहाँ पर वो दिखा नहीं रहा, तो आप डाटा स्टैटिक दिख रहे हैं यहाँ पर लिख देंगे, तो वो डाटा की सारी डिस्क को जाके रिकग्नाइज करेगा और आपको दिखा देगा। तो नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती वो आपको, बाय डिफॉल्ट अगर आपने सेम मार्क की है तो वो आपको यहाँ पर डिस्क नजर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। नहीं तो आप स्कैन डिस्क कर रहे हो फिर दोबारा से इंस्टॉलर को चलाएं तो तब भी आपको डिस्क नजर आना शुरू हो जाएंगे, अदरवाइज आप डिस्कवरी पाथ चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं जी। अच्छा, सिस्क और सिस्क एएसएम एसएनएमपी दो यूजर्स बनेंगे एएसएम इंस्टेंस के ऊपर, और ये यूजर्स जो हैं सिस्क का यूजर जो है इसको सिस्क एएसएम का प्रिविलेज होगी, और ये यूजर सिस्क आपके एएसएम के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज होगा। तो दो यूजर हैं सिस्क और एएसएम एसएनएमपी। एएसएम एसएनएमपी का जो यूजर है उसका काम है वो जो है अलर्ट्स भेजना आपकी डेटाबेस को या वो इंटरप्राइज मैनेजर में आपकी जो ग्राफिकली चीजें नजर आती हैं। और सिस का जो यूजर है वो इसको सिस एएसएम, सिस डीबीए और सिस ऑपर तीन प्रिविलेजेस होंगी। तो 11G रिलीज टू ऑनवर्ड आप जब एएसएम इंस्टेंस से कनेक्ट हो और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करनी है तो सिस डीबीए के तौर पर कनेक्ट तो हो सकते हैं लेकिन उसकी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते आप, शट डाउन स्टार्टअप ये वो नहीं कर सकते आप। उसके लिए आपको सिस एस सिस एएसएम कनेक्ट होना पड़ेगा। ये एक नई प्रिविलेज ओरेकल ने दी है 11G रिलीज टू ऑनवर्ड कि आप एएसएम एडमिनिस्ट्रेटर आपका अलग होना चाहिए और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अलग होना चाहिए। तो एएसएम का एडमिनिस्ट्रेटर जब वो डेटाबेस से लॉगिन होगा, एएसएम इंस्टेंस से लॉगिन होगा, तो वो सिस एएस एस सिस एएसएम लॉगिन होगा, और डेटाबेस से अगर वो सिस यूजर लॉगिन होगा तो सिस एस सिस डीबीए या सिस एस सिस ऑपर लॉगिन होगा, ठीक है। तो हम सबके ये पासवर्ड सेम ही सेट कर देते हैं, बाद में आप ये चेंज कर सकते हैं। इन सबके पासवर्ड और कल ही रख रहा हूँ। नेक्स्ट करते हैं, वो मैसेजेस देगा जी पासवर्ड कॉम्प्लेक्स नहीं है तो हम जाने देते हैं। ओएसडीपी हमारे पास केस में ग्रुप एक ही है, तो आपके केस में अगर डिफरेंट ग्रुप्स आपने रखे हुए हैं जैसे ऑपर का ग्रुप रखते हैं, एएसएम के लिए एएसएम एडमिन का ग्रुप रखते हैं हमने, क्योंकि एक ही ओएस पे ग्रुप बने हुए तो सबके लिए एक ग्रुप हमने सेलेक्ट कर लिया। आइडली होना ये चाहिए था कि ओएसडीपी के लिए डीबीए का ग्रुप हो, ओएस ऊपर के लिए ऊपर का ग्रुप हो, और ओएस एएसएम के लिए एएसएम एडमिन के नाम से ग्रुप होना चाहिए था। ये बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं, लेकिन आप जिस मर्जी नाम से ग्रुप बना लें और उनको ये ग्रुप डिक्लेयर कर देंगे। नेक्स्ट करते हैं, वो कहते हैं जी ये ग्रुप नहीं होना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ है, हम जाने देते हैं इसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये ओरिकल होम फॉर एएसएम फॉर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कहाँ पे जाके इंस्टॉल करें, तो वो आप जो डिफॉल्ट उसने लोकेशन सेलेक्ट किया मैं उसी लोकेशन पे जाऊंगा, क्योंकि इसी लोकेशन पे ऑलरेडी मेरा ओरिकल होम भी इसी लोकेशन पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। कंट्रोल टी करें तो cd/01apt-ORACLE-product-11 2.0, तो ये db home 1, ये db home 1 तक का जो पाथ है इस पाथ के अंडर, वो db home 1 जो है वो डेटाबेस का होम है। इस पे ऑलरेडी डेटाबेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है लेकिन वो बगैर एएसएम के डेटाबेस चल रही है। तो हम जो हैं इसी के अंडर ये जो पाथ है इसके अंडर एक ग्रिड के नाम से ये फोल्डर बना देगा, उसको ग्रिड होम डिक्लेयर कर, वो हो कहलाएगा वो ओरिकल होम है, लेकिन वो दैट ओरिकल होम विल बी फॉर एएसएम फॉर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैं ये आप अगर कोई डिफरेंट पाथ देना चाहते हैं वो दे दें। नेक्स्ट करता हूँ जी इसको। वो सारे कर्नल पैरामीटर्स और आरपीएम एंड सो ऑन ये सारी चीजें चेक करेगा और आपने इसको फिनिश कर देना है। तो अब ये एक एएसएम इंस्टेंस क्रिएट करेगा, डिस्क ग्रुप क्रिएट करेगा, एएसएम इंस्टेंस को स्टार्ट करेगा, डिस्क ग्रुप को माउंट करेगा, और आपको ये एएसएम इंस्टेंस रेटिंग मिल जाएगा। वंस ये हो जाए तो फिर आप डेटाबेस का सॉफ्टवेयर, अगर हमारे केस में डेटाबेस का सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, और अगर आप फ्रेश इंस्टॉलेशन कर रहे हैं पहली दफा कर रहे हैं, तो पहले आप ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे सारे प्री रिक्विजिट्स करने के बाद, फिर आप डेटाबेस का सॉफ्टवेयर दोबारा से, क्योंकि इस ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के सॉफ्टवेयर के थ्रू आप डेटाबेस क्रिएट नहीं कर सकते, इसमें आपको एएसएमपी टूल्स मिलेंगे आपको। तो अगर आपने डेटाबेस भी क्रिएट करनी है इसके ऊपर, तो फिर आप डेटाबेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, फिर उसमें से डीबीसीए चला के आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे एएसएम के ऊपर। तो हमारे केस में डेटाबेस का सॉफ्टवेयर पहले से हुआ होगा, तो हम सिंपली एएसएम करने के बाद डेटाबेस के सॉफ्टवेयर में से डीबीसीए चलाएंगे और इस एएसएम इंस्टेंस के डिस्क ग्रुप के ऊपर एक डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे, लेकिन ये जो एएसएम इंस्टेंस जो है ये माउंट स्टेज तक होता है, ओपन स्टेज में नहीं होता। ये एक नॉर्मल इंस्टेंस से डिफरेंट है, एक नॉर्मल डेटाबेस इंस्टेंस से ये डिफरेंट है, ये माउंट स्टेज तक रहता है। तो इसमें सारे जो व्यूज हैं वो वी डॉलर साइन वाले व्यूज हैं, वो नॉर्मल वो डीपीए अंडरस्कोर से या यूजर अंडरस्कोर से या ऑल अंडरस्कोर से वाले भी व्यूज आपको एएसएम इंस्टेंस पे नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके कितने डिस्क ग्रुप्स हैं, उनकी क्या स्टेट है, टोटल स्पेस कितनी है, यूज स्पेस कितनी है, फ्री स्पेस कितनी है,
कितनी डिस्क उनका पार्ट है, इस वक्त रीबैलेंसिंग हो रही है नहीं हो रही, कितनी डिस्क फाइल्स हैं आपकी डिस्क ग्रुप के ऊपर, उनके साइजेस क्या हैं, वो डिस्क ग्रुप से रिलेटेड सारी चीजें, कौन कौन सी डेटाबेसिस की फाइल्स इस एएसएम के ऊपर पड़ी हुई हैं, उनका करंट स्टेटस क्या है, टोटल रिलेटेड टू द स्टोरेज। इसमें आपको कोई यूजर्स नहीं नजर आएंगे, इसमें आपको कोई पासवर्ड्स नहीं नजर आएंगे, इसमें आपको कोई टेबल्स नहीं नजर आएंगे। ये एएसएम इंस्टेंस से जब आप कनेक्ट होंगे तो आप टोटल स्टोरेज रिलेटेड टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, आप वही इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो एएसएम इंस्टेंस आपके डेटाबेस इंस्टेंस से कैसे कम्युनिकेट करता है? डेटाबेस इंस्टेंस जब फाइल क्रिएट करेगा तो एएसएम इंस्टेंस को कहेगा, एएसएम इंस्टेंस क्या करेगा, वो फाइल का साइज बताएगा कि मैंने ये 10 GB की फाइल क्रिएट करनी है एएसएम के ऊपर। एएसएम इंस्टेंस एएसएम डिस्क ग्रुप के ऊपर जाके वो स्टोरेज एलोकेशन में उसको कन्वर्ट करेगा, वो देखेगा कहाँ का स्टोर स्पेस एलोकेट करनी है, वो पूरा एक एलोकेशन टेबल बनाएगा, फाइल एलोकेशन टेबल उसको कहते हैं। वो फाइल एलोकेशन टेबल वो दे देगा आपके डेटाबेस इंस्टेंस को, इसको एक्सटेंट मैप भी कहते हैं या फाइल एलोकेशन टेबल भी कहते हैं। एक्सटेंट मैप आपकी डेटाबेस इंस्टेंस को दे देगा, डेटाबेस क्या करेगा उस हिसाब से आपकी वो फाइल को डिस्ट्रीब्यूट करके एएसएम इंस्टेंस के ऊपर क्रिएट कर देगा। जब क्रिएट कर लेगा तो डेटा आपके एएसएम इंस्टेंस को कन्फर्म करेगा कि मैंने फाइल क्रिएट कर लिया है, और वो उसको एक्नॉलेज करेगा कि मैंने इसको परमानेंट कर दिया। तो इस तरीके से आपस में कम्युनिकेशन होगी। तो हर दफा जब फाइल क्रिएशन के लिए उसको जस्ट एएसएम इंस्टेंस से कम्युनिकेट करने की जरूरत है, या जब डेटाबेस इंस्टेंस स्टार्ट होगा तो उस वक्त उसको एएसएम इंस्टेंस के साथ कम्युनिकेट करने की जरूरत है। बाकी नॉर्मल आईओ के लिए हर दफा एएसएम इंस्टेंस के थ्रू वो नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट उसके पास ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन, जब डेटाबेस इंस्टेंस एक स्टार्ट होगा तो उसको अपनी फाइल्स की रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मिल जाएगी एएसएम के थ्रू उसको। और फिर बाद में जब भी फाइल में कोई आईओ करनी है, कोई डाटा रीड करना है, कोई राइट करना है, तो वो डाटाबेस इंस्टेंस डायरेक्ट कर रहा होगा, वो वाया एएसएम इंस्टेंस नहीं जाएगा। लेकिन एएसएम इंस्टेंस का अप एंड रनिंग होना जरूरी है हर वक्त। अगर आपका एएसएम इंस्टेंस डाउन हो जाता है तो आपका डिस्क ग्रुप भी डाउन हो जाएगा, और जब डिस्क ग्रुप डाउन हो जाएगा तो आपके डेटाबेस को डाटा फाइल्स कंट्रोल फाइल्स रीड लॉग फाइल्स एक्सेसिबल नहीं रहेंगी, आपका डेटाबेस इंस्टेंस भी अबॉर्ट कर जाएगा। हाँ मतलब वो दो चीज़ें फिर आपको मैनेज करनी पड़ेगी, कम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, थोड़ी सी चीज़ें आपको ज़्यादा मैनेज करनी पड़ जाएंगी, लेकिन ट्रेड ऑफ है दोनों तरफ है ना। आपको एक तो मतलब कि थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, मैनेज चीज़ें आपको ज़्यादा करनी पड़ रही हैं, लेकिन उसका एडवांटेज क्या है कि आपको परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हाई मिल रही है, आसान है। 10 GB तक बल्कि 11 GB रिलीज 1 तक ये था कि आप एएसएम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ओरेकल की डेटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स, रीडू लॉग फाइल्स, आर्काइव्स और फ्लैशबैक लॉग्स और बैकअप्स, आरमेन के बैकअप्स, ये 6 चीज़ें, या एसपी फाइल, ये 7 चीज़ें रख सकते थे। अब आप नॉर्मल ओएस की फाइल्स भी रख सकते हैं, आप ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स, या आप ओरेकल की बाइनरीज जो इंस्टॉलेशन जो फाइल्स हैं, जो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, वो भी आपकी एएसएम के ऊपर जा सकती हैं। देन क्लस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपकी और क्लस्टर वेयर के कंपोनेंट्स, जो कि क्लस्टर रजिस्ट्री और ओसीआर, ये 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, वो भी एएसएम के ऊपर जा सकते हैं, पहले ये पॉसिबल नहीं था। तो इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें अभी आस्ते आगे चलेंगे ना, जब इसकी मैनेजमेंट थोड़ी सी बताऊंगा तो उसमें आपको आइडिया होगा कि बहुत सारे नए फीचर्स हैं जो इसके अंदर एएसएम इंट्रोड्यूस कराए गए हैं 11 GB में। काफ़ी स्टेबल हो गया पहले से, क्योंकि 10 GB में तो नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था, तो काफ़ी सारे इशूज़ थे, बग्स थे, वो सारे बग्स अब बहुत सारे बग्स फिक्स हो गए हैं, और बहुत सारी चीज़ें काफ़ी स्टेबल हो गई हैं। इस पर पूरा वैसे एक कोर्स है 5 दिन का, ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ए एस एम एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा 5 दिन का कोर्स है जिसमें ए एस एम से रिलेटेड ही सारी चीज़ें हैं। तो उसमें कोई उसके में हमें 20 चैप्टर हैं, तो हम तो सिर्फ इस बुक के अंदर सिर्फ एक चैप्टर कवर कर रहे हैं, वो है बल्कि इम्प्लीमेंटेशन भी इस बुक का पार्ट नहीं है, ये जो मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन करा रहा हूँ ये एंड टू एंड ये आपके बुक में नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, कि उसमें ओवर व्यू है जस्ट। चलते हैं जितनी देर में ये कंप्लीट होता है। एएसएम इंस्टेंस के को मैनेज करने के लिए आपके पास व्यूज हैं, बहुत सारे वी डालर आने वाले व्यूज हैं, वी डालर में एएसएम एलियस है, एएसएम एट्रीब्यूट्स है, एएसएम क्लाइंट है, डिस्क है, डिस्क ग्रुप्स है, एंड सो ऑन, बहुत सारे व्यूज हैं जिनके थ्रू हम एएसएम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये एएसएम इंस्टेंस है ये आपके डिस्क को मैनेज करने के लिए, डिस्क ग्रुप्स को मैनेज करने के लिए, स्टोरेज को मैनेज करने के लिए, तो आपको इसमें स्टोरेज रिलेटेड ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जब आप ये इंस्टॉलेशन आप कर लेंगे तो एंड पे आपको ये स्क्रिप्ट रन करने का कहेगा एज यूजुअल, जैसे आप ओरेकल का कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो ये स्क्रिप्ट आपने रूट यूजर से लॉगिन होकर आपने रन करना है। मैंने इसको कॉपी कर लिया, और वो पूछेगा कि डायरेक्टिव पूछेगा, सिंपली आपने एंटर कर देना है और यस यस कर देना अगर ऑलरेडी आपकी फाइल्स पड़ी हुई हैं। ये स्क्रिप्ट रन होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने ये स्किप कर दिया तो एएसएम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नहीं हो सकेगी, फेल हो जाएगी, नए सिरे से इंस्टॉलेशन करनी पड़ जाएगी।
ये कुछ बैकएंड पे बहुत सारे स्क्रिप्ट रन करेगा और आपकी इन्वायरमेंट को प्रिपेयर करेगा वो चीज़ें भी। वो एक्चुअली इसके ऊपर पूरे चैप्टर हैं कि ये बैकएंड पे करता क्या, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, लेकिन वो एक्चुअली वो इस कोर्स का पार्ट नहीं है। लेकिन ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये स्क्रिप्ट सक्सेसफुली रन होगा, ये नहीं रन होगा तो ये सब कन्फिगर नहीं होगा। वो इन एनी केस होते हैं, वो आपके डेटाबेस सर्वर करें तब भी होंगे, आप एप्लीकेशन सर्वर करें तब भी होंगे, और बल्कि कोई भी प्रोडक्ट करें तो वो ओएस पे कुछ उसको सर्टेन प्रिविलेजेस चाहिए होती है लाइनक्स यूनिक्स के केस में, तो वो आपको स्क्रिप्ट रन करने पड़ते हैं। ओके okay. अब आपकी इस मशीन के ऊपर दो ओरेकल होम होंगे, देर विल बी टू ओरेकल होम। वन होम होगा आपके वो क्या कहलाएगा ओरेकल होम ही दैट, लेकिन दैट होम विल बी ग्रिड होम या ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर होम, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उनको कहने, लेकिन है वो होम एक वो ओरेकल होम ही कहलाएगा वो, लेकिन हमें पता है उसमें ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा या एएसएम होम उसको कह लेंगे। तो ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का एक होम होगा जिसमें ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर की इंस्टॉलेशन हुई हुई है, और एक ओरेकल होम होगा डेटाबेस का जिसमें आपका डेटाबेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, आरडीबी में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, दो होम। अच्छा, इसमें सर्टेन टूल्स आपको अवेलेबल होंगे जैसे एसक्यूएल प्लस, लिसनर कंट्रोल यूटिलिटी, फिर और बहुत सारे टूल्स आपको इस होम में भी मिलेंगे और इस होम में भी मिलेंगे, तो बहुत सारे टूल दोनों जगह मिलेंगे। अगर आपने एएसएम इंस्टेंस से कनेक्ट होना है और एडमिनिस्ट्रेशन के टास्क परफॉर्म करना है, तो मेक श्योर कि आपकी जो इन्वायरमेंट सेट है वो ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के होम को पॉइंट कर रही है, और अगर आपने डेटाबेस इंस्टेंस से लॉग इन होकर काम करना है तो मेक श्योर करना है कि आपकी जो इन्वायरमेंट है वो डेटाबेस को होम को पॉइंट कर रही है। आइडियली आइडियल कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, आइडियली ये होना चाहिए कि आपका ओरेकल लिनक्स का या यूनिक्स का एक बॉक्स है, एक सर्वर है जिसके ऊपर आपने ये दोनों चीज़ें इंस्टॉल करनी है। तो अगर आपने ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो उसके लिए ओएस पे यूजर ही अलग बनाएं। फॉर एग्जांपल नॉर्मली हम ग्रिड के नाम से बनाते हैं, उसका ग्रुप डीबीए रख देते हैं, और डेटाबेस के सॉफ्टवेयर के लिए आप डिफरेंट यूजर क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल हम ओरेकल का यूजर क्रिएट करते हैं और उसका ग्रुप डीबीए रख देते हैं, तो फिर थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा मैनेज करना। ग्रिड यूजर से ओएस पे लॉगिन होंगे तो आप एएसएम को मैनेज कर रहे होंगे, ओरेकल यूजर से डेटाबेस ओएस पे लॉगिन होंगे तो आप डेटाबेस इंस्टेंस को मैनेज कर रहे होंगे, लेकिन हमने एक ही के थ्रू किया, दोनों में ओरेकल यूजर के थ्रू मैंने दोनों इंस्टॉलेशन किया, आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है, दिस इज टोटली अप टू यू कि आप क्या किस तरीके से करना चाहते हैं। तो एक यूजर के केस में फिर आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, अदरवाइज वो कमांड्स लाएंगे तो फिर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एरर आएगा आपको, ठीक है। तो आपने अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट सेट करनी है, तो ओरेकल आपको एक ओरा ई एन वी की फाइल देता है, जब वो स्क्रिप्ट चला है ना तो एंड पे उसमें जाके ये हाँ वो एक यूएसआर लोकल बिन में जाके ओरा ई एन वी की फाइल कॉपी कर देगा। तो जब भी इन्वायरमेंट आपने सेट करनी हो तो ये इन्वायरमेंट फाइल एग्जीक्यूट करें, आपसे वो पूछेगा जी इंस्टेंस का नाम, किस इंस्टेंस की इन्वायरमेंट सेट करनी है, तो एएसएम इंस्टेंस का नाम होता है प्लस एएसएम, दिस इज द डिफॉल्ट, और इसी नाम से होगा प्लस एएसएम। तो अगर हमने एएसएम की इन्वायरमेंट सेट करनी है तो आप इंस्टेंस का नाम प्लस एएसएम देंगे, अगर आपने डेटाबेस की इन्वायरमेंट सेट करनी है तो डेटाबेस का नाम देंगे, तो अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट सेट कर देगा, और फिर आप एसक्यूएल प्लस या कोई यूटिलिटी इनवोक करेंगे तो आप उस इंस्टेंस से कनेक्ट हो देंगे, ठीक है। तो एएसएम इंस्टेंस का नाम प्लस एएसएम क्यों होता है, ये कन्वेंशन है, एक नॉर्मल, क्योंकि एक नॉर्मल इंस्टेंस से डिफरेंट इंस्टेंस है, तो ओरेकल ने इसको कन्वेंशन अलग रखी है ताकि ये डिस्टिंग्विश हो नॉर्मल एक डेटाबेस इंस्टेंस से। तो इसका इसका जो पाथ होगा, इसके डिस्क ग्रुप्स के नाम होंगे, उसके नाम से भी पहले भी प्लस का सिंबल होगा, इसकी जो फाइल्स होंगे उसके नाम से पहले भी प्लस का सिंबल होगा, इसके इंस्टेंस के नाम से भी पहले भी प्लस का सिंबल होता है, तो ये कन्वेंशन है जो ओरेकल फॉलो करता है, नथिंग एल्स। ओके, 11g रिलीज 2 ऑनवर्ड एक फीचर आया, ओरेकल ने इसको नाम दिया ओरेकल रीस्टार्ट के नाम से, ओरेकल रीस्टार्ट। ये है क्या चीज, ये अगर आप ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं फॉर अ सिंगल इंस्टेंस डेटाबेस, इफ यू इंस्टॉल द ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर फॉर अ सिंगल इंस्टेंस डेटाबेस, और फिर आप एएसएम कॉन्फ़िगर करते हैं और उस एएसएम के ऊपर आप फिर आपको डेटाबेस क्रिएट करते हैं, तो ओरेकल कहता है जी आपने ओरेकल रीस्टार्ट का फीचर इंप्लीमेंट किया अपने पास। उसको ओरेकल रीस्टार्ट क्यों कहा जाता है, 11g रिलीज 2 से पहले ये था कि कोई भी आपका कंपोनेंट डाउन हो जाता है ना आपका एएसएम का, जैसे एएसएम का लिसनर डाउन हो जाता है या एएसएम इंस्टेंस डाउन हो जाता है या आपकी डेटाबेस इंस्टेंस डाउन हो जाता है या कोई भी प्रोसेस डाउन हो जाता है, तो खुद अपने ही होता है, वो आपको अप करना पड़ता है, रैक के केस में, क्लस्टर के केस में हो जाता है ऑटोमेटिकली अप, लेकिन एक नॉर्मल इंस्टेंस के केस में ऑटोमेटिकली अप नहीं होता। तो अगर आप
ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सिंगल इंस्टेंस 11G रिलीज 2 ऑनवर्ड करें तो आपका कोई भी कंपोनेंट एबनॉर्मली डाउन होगा तो ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर उसको खुद से ही ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये समझ लें कि ये सिंगल इंस्टेंस रैक बन जाएगा आपके पास, और 11G रिलीज 2 ऑनवर्ड आपके पास सिंगल इंस्टेंस, एक सिंगल मशीन पे भी आप रैक इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वैसे तो आपको पहले चाहिए था कि मिनिमम दो मशीनें चाहिए जिस पे रैक इंप्लीमेंट करना है, लेकिन आप सिंगल इंस्टेंस रैक भी कर सकते हैं। ये बहुत सारे फीचर्स नए ओरेकल ने दिए, तो ओरेकल रीस्टार्ट का फीचर हमने इंप्लीमेंट कर लिया है। अब उससे फायदा आपको क्या होगा, अब आप अगर आपकी मशीन इस लाइनस की मशीन को रीबूट करेंगे ना, तो जब दोबारा से आप होगी तो ये सारा सबसे पहले वो लिसनर आप करेगा, फिर एएसएम इंस्टेंस आप करेगा, फिर आपका डेटाबेस इंस्टेंस भी खुद ही आप कर देगा, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें ऑटोमेटिकली स्टार्टअप हो जाएंगी। ये अगर आप विदाउट ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर आप ओरेकल का सिंपली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें तो लाइनस स्टार्ट करते हैं आप या यूनिक्स स्टार्ट करेंगे तो आपको लिसनर भी खुद स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको डेटाबेस भी खुद स्टार्ट करना पड़ेगा। आप उसको ऑटो स्टार्ट कर सकते हैं, स्क्रिप्ट्स ओरेकल ने दिए हुए हैं, आप इनिट में जाके वो स्क्रिप्ट्स कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं तो फिर आपको वो कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है, आपके सारी की सारी चीजें जितने भी प्रोसेसेस हैं जितने भी कंपोनेंट्स हैं ओरेकल खुद से ही स्टार्ट कर रहा होगा। और फिर ओरेकल ने बहुत सारी आपको यूटिलिटीज दी है, जैसे एक ही यूटिलिटी के थ्रू आप सारे के सारे कंपोनेंट्स डाउन भी कर सकते हैं, सारे के सारे कंपोनेंट्स आप स्टार्टअप भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये स्क्रिप्ट रन सक्सेसफुली रन हो गया जी, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। वो थोड़ी सी इसके एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं, थोड़ा सा इसे कनेक्ट होके चेक कर लेते हैं कि इसने क्या क्या किया हुआ है। अभी मतलब वो करेगा क्या नाम है एएसएम, पहले तो उसने प्री रिक्विजिट सारे मतलब वो जो सारे प्रोसेसेस कॉन्फ़िगर किए हैं, अब उस ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट चलाएगा और आपका एएसएम का डिस्क ग्रुप क्रिएट करेगा। ये हो जाए तो फिर आगे चलते हैं मेन वाला स्लाइड्स पे आते हैं। ये व्यूज़ अभी थोड़ी देर में हम देखते हैं लग्जूरी करके। तो ये प्रिविलेजेस हैं जो आपके एएसएम में मिलेंगे, सिस्को सिस एएसएम की सिस डीबीए सिस ऑपर तीनों प्रिविलेजेस मिली होंगी, लेकिन जब वो सिस एएसएम के तौर पे लॉगिन हो रहा होगा तो उसको फुल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस मिलेंगे। वो आगे जाके आता कि सिस डीबीए सिस ऑपर की प्रिविलेजेस रिवोक कर ली जाएंगी नेक्स्ट रिलीज में। तो सिर्फ सिस एएसएम से जब आप कनेक्ट होंगे सिस यूजर से तो आपको एस सिस एएसएम ही कनेक्ट होना पड़ेगा। तो इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू आप कैसे मैनेज करेंगे वो अभी देखते हैं इसको, और डेटाबेस को अपने एएसएम इंस्टेंस को शटडाउन कैसे करना है, स्टार्टअप कैसे करना है, और ये सारा भी देख लेते हैं। यूटिलिटीज एंड डिफरेंट जो प्रोसेस है वो आपका पी मॉन अंडरस्कोर प्लस एएसएम रन हो रहा है, एएसएम इंस्टेंस आपका इस वक्त चल रहा है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ एनवायरमेंट सेट करता हूँ डॉट स्पेस और आई एन वी, इंस्टेंस का नाम पूछेगा जी प्लस एएसएम है, एनवायरमेंट उसने खुद ही सेट कर दी। अब आप करते हैं जी एसक्यूएल प्लस स्लैश एस एस ए एस एम सेलेक्ट इंस्टेंस अंडरस्कोर नेम फ्रॉम वी डॉलर साइन इंस्टेंस कर वी डॉलर साइन इंस्टेंस। ठीक है जी, आपको इंस्टेंस का नाम दिखा रहा है कि आप एएसएम इंस्टेंस से इस वक्त कनेक्टेड है, प्लस एएसएम दिखा रहा है आपको। इसी तरीके से एक व्यू है वी डॉलर साइन एएसएम अंडरस्कोर डिस्क ग्रुप, आपको बताएगा जी ग्रुप का नेम, टोटल कितनी स्पेस है उसकी, फ्री स्पेस कितनी है और उसकी स्टेट क्या है। वी डॉलर साइन एएसएम अंडरस्कोर डिस्क ग्रुप, तो एक डिस्क ग्रुप है, टोटल कितनी स्पेस है, फ्री स्पेस आपके पास ऑलमोस्ट सारी फ्री है, बाकी हेडर ने मेटा डेटा ने ली हुई है, और माउंटेड डिस्क स्टेट आपका डिस्क ग्रुप माउंटेड स्टेज पे माउंट तक रहता है। इसी तरीके से वी डॉलर साइन ए एस एम अंडरस्कोर डिस्क का व्यू है, कौन कौन सी डिस्क हैं आपके जो इन डिस्क ग्रुप्स का पार्ट हैं उनकी डिटेल उनके साइजेस। इसी तरीके से वी डॉलर साइन ए एस एम
अंडरस्कोर क्लाइंट का व्यू है कि कौन कौन सी डेटा बेसिस हैं, फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट डी बी अंडरस्कोर नेम फ्रॉम बी डॉलर साइन ए एस एम अंडरस्कोर क्लाइंट। जैसा कोई डेटा बेस नहीं है जिसकी डेटा फाइल्स कंट्रोल फाइल्स डेटा फाइल्स ए एस एम इंस्टेंस के ऊपर डिस्क ग्रुप के ऊपर हों, जैसे कोई क्लाइंट आपको नजर, अदरवाइज आपको डेटा बेस नजर आएगी जो करंटली जो 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 इंस्टेंस या जो डेटा बेस डिस्क ग्रुप ए एस एम इंस्टेंस को यूज़ कर रही है। ठीक है, तो ए एस एम इंस्टेंस को शट डाउन करना और स्टार्टअप करना, तो सिंपली आप शट डाउन कवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये माउंट स्टेज पे होता है, ये चेक पॉइंट वगैरह का वो नॉर्मल कंसेप्ट नहीं है इसके अंदर, तो सिंपली शट डाउन अवर्ड भी किया जा सकता है। तो स्टार्टअप करेंगे तो ये मेमोरी एलोकेशन करेगा, इसका एस जी का जो साइज है मैक्सिमम 300 MB तक होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए इसको, 300 MB है, और ये स्टार्टअप होगा, एस जी एलोकेशन होगी और डिस्क ग्रुप्स को माउंट करेगा, और अगर कोई वॉल्यूम्स आपने क्रिएट किए हैं तो वो इनेबल करेगा और डेट शिफ्ट, ये ओपन स्टेज पे नहीं होता। तो आप इसको शट डाउन स्टार्टअप एसक्यूएल प्लस के थ्रू कर सकते हैं, या आपके पास एक यूटिलिटी है SRVCTL के नाम से, ये यूटिलिटी नॉर्मल जो है नॉर्मली 11G रिलीज 2 से पहले ये क्लस्टर में यूज हुआ करते थे, क्लस्टर को मैनेज करने के लिए यूटिलिटी थी, सर्वर कंट्रोल यूटिलिटीज को कहते हैं, ये क्लस्टर्ड इन्वायरमेंट में डेटाबेस इंस्टेंसेस को एएसएम इंस्टेंसेस को शट डाउन स्टार्टअप करने के लिए यूज होती थी। 11G रिलीज 2 ऑनवर्ड आपको ये सिंगल इंस्टेंस डेटाबेस में भी ये यूटिलिटी अवेलेबल है, तो उसके थ्रू भी आप शट डाउन स्टार्टअप कर सकते हैं, जैसे SRVCTL, और आपको लेट से पूरी कमांड नहीं पता, जैसे हम कहते हैं जी SRVCTL स्टॉप और -H लिखते हैं, आपको पूरी कमांड की हेल्प दिखा देगा, स्टॉप आपकी पूरी यूजेज दिखा रहा है, SRVCTL स्टॉप ASM, और आगे ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ SRVCTL स्टॉप ASM -O, वो का मतलब ऑप्शन कि फोर्सफुली करना है उसको, अबर्ड करना है तो वो F बताएंगे, और अगर आपने इमीजिएट करना है तो I बताएंगे, एंड सॉन डिफरेंट ऑप्शन है आपके पास। स्लाइड्स में देखते हैं इसमें क्या किया जी, -O, अच्छा स्टार्टअप करेंगे तो -O के साथ आप बताते हैं वो क्या करे, माउंट करे या नो माउंट स्टेज तक उसको रोके, वो स्टॉप करते वक्त SRVCTL स्टॉप ASM और आगे -F दे देंगे तो फोर्सफुली उसको स्टॉप करेगा। दो यूटिलिटीज हैं आपके पास, SQL प्लस या SRVCTL की यूटिलिटी के, तो उसके थ्रू आप इसको स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं जी, और अगर आप नहीं बताते किस स्टेज पे रोके तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट करेगा और माउंट स्टेज पे जाकर उसको रोकेगा। ओके, देन आपके पास एक और यूटिलिटी है, दो यूटिलिटी हमने देख ली, एसक्यूएल प्लस प्लस और फिर हमने SRVCTL, और देन आपके पास एक और यूटिलिटी है DF -H, अगर आप करें ना OS पे तो आपको सारे OS की फाइल सिस्टम दिखा रहता है, माउंट पॉइंट दिखा रहता है, इसमें किसी जगह आपको डिस्क ग्रुप्स नहीं नजर आएंगे क्योंकि उनके ऊपर फाइल सिस्टम OS का नहीं है। अब उसको ब्राउज करना चाहें आप तो आप कर सकते हैं, ओरेकल ने एक यूटिलिटी दी है ASM CMD के नाम से, अगर आपकी इन्वायरमेंट सही सेट है तो ASM CMD ओपन करेंगे तो आपको कोई मैसेज नहीं देगा, अदरवाइज अगर आपने वो ASM CMD ओपन की और इन्वायरमेंट सही सेट नहीं थी तो वो आपको कहेगा कि वो ASM इंस्टेंस डाउन है, तो अगर वो मैसेज दे तो PS-EF करके देख लें कि ASM इंस्टेंस चल रहा है, अगर चल रहा है तो इट मीन्स कि आपकी इन्वायरमेंट ASM इंस्टेंस को पॉइंट नहीं कर रही है, ASM की होम को पॉइंट नहीं कर रही, वो इन्वायरमेंट आप सही सेट कर लें। तो ASM CMD के ऊपर आप चले जाएंगे तो वही OS की कमांड चलेंगे, LS तो आपको देखें डिस्क ग्रुप दिखा रहा है, डेटा पे चले जाएं LS ASM, अब यहाँ पे तो हमें कोई फाइल्स नहीं मिलेंगी, अदरवाइज आपको यहाँ पे सारी फाइल्स मिल सकती हैं, यहाँ पे आप CP की कमांड चला के फाइल को नॉर्मल फाइल सिस्टम के ऊपर कॉपी कर सकते हैं, नॉर्मल फाइल सिस्टम से आप फाइल ASM के डिस्क ग्रुप के ऊपर मूव कर सकते हैं, तो ये बहुत सारे काम कर सकते हैं आप इस ASM CMD की यूटिलिटी के थ्रू। तो इसमें आप इस यूटिलिटी के थ्रू ASM इंस्टेंस को शट डाउन स्टार्टअप भी किया जा सकता है, इस यूटिलिटी के थ्रू आप डिस्क ग्रुप बना सकते हैं, डिस्क ग्रुप्स को ड्रॉप कर सकते हैं, डिस्क ग्रुप में डिस्क ऐड कर सकते हैं, डिस्क ग्रुप में से डिस्क रिमूव कर सकते हैं, ये सारे काम आप SQL प्लस से भी कर सकते हैं। ठीक है, और SRVCTL की यूटिलिटी के थ्रू सिंपली स्टार्टअप शट डाउन के ऑप्शन काम किए जा सकते हैं। ठीक है, देन एक थर्ड ग्राफिकल यूटिलिटी है, फोर्थ ग्राफिकल यूटिलिटी है ASMCA के नाम से, ये अगर आप यूटिलिटी चलाएंगे तो आपको ग्राफिकल एक टूल मिल जाएगा, जैसे आपका DBCA का टूल है इसी तरीके से ASMCA का टूल है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी जो क्रिएटेड डिस्क ग्रुप्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं, उनको ड्रॉप कर सकते हैं, उनको डिसमाउंट कर सकते हैं, वॉल्यूम्स क्रिएट कर सकते हैं, नया डिस्क ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं आप, यहाँ पे अगर डिस्क ग्रुप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे ना तो इसमें ऐड डिस्क आ जाएगा, एडिट कर सकते हैं इसको, मैनेज कर सकते हैं, क्रिएट इसके ऊपर वो क्या ओरेकल होम के लिए ACFS फाइल सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, डिसमाउंट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के सारे काम ग्राफिकली किए जा सकते हैं। क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप नए डिस्क ग्रुप्स, आप जो बाकी जो कैंडिडेट डिस्क हैं वो आपको दिखा रहा है, वो नया डिस्क ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हैं, रिडंडेंसी का ऑप्शन है, सब कुछ। तो
ये आपके पास में भी ऐड कर सकते हैं, जी एग्जिस्टिंग में भी ऐड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग में भी आप अगर इसको राइट क्लिक करके इसको ऐड डिस्क करेंगे तो ये आपको ये डिस्क दिखा देगा, सेलेक्ट करके ओके करेंगे डिस्क का पार्ट बन जाएगी, आप डिस्क को निकाल भी सकते हैं उसमें से एंड सो ऑन, ये सारे काम आप कर सकते हैं इस यूटिलिटी के थ्रू। ठीक है, तो दीज आर द यूटिलिटीज जिसके थ्रू आप ASM से कनेक्ट होकर बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। ठीक है जी, कोई इश्यूज तो नहीं है इसमें, क्लियर है? ओके, अभी मैं इसको यूज नहीं कर रहा इस यूटिलिटी को, मैं जी ओरेकल यूजर से लॉग इन होता हूँ और एक डेटा बेस क्रिएट करता हूँ। तो मेरे इस इन्वायरमेंट में ना ओरेकल होम ऑलरेडी बैश प्रोफाइल में सेट हुआ हुआ है जो डेटा बेस होम को पॉइंट कर रहा है, तो मुझे वो डॉट orinv हर दफा रन करने की जरूरत नहीं अगर मैंने डेटा बेस से कनेक्ट होना है, क्योंकि मैंने बैश प्रोफाइल में ओरेकल डेटा बेस की, क्योंकि ज्यादातर आपका ASM इंस्टेंस पे आपकी कनेक्टिविटी कम होगी जरा, और डेली आपका जो काम होगा हर वक्त जो डेटा बेस इंस्टेंस से करेंगे वो उसकी इन्वायरमेंट की एंट्रीज बेहतर है बैश प्रोफाइल में कर लें, ताकि हर दफा आपको एंट्रीज इन्वायरमेंट की चीज ना करनी पड़े। तो इन्वायरमेंट मेरी ऑलरेडी डेटाबेस के होम को पॉइंट कर रही है और डेटाबेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ हुआ है, तो मैं DBCH चलाऊंगा और एक डेटाबेस क्रिएट कराऊंगा। एक डेटाबेस ऑलरेडी मेरी इस मशीन के ऊपर एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो नॉर्मल फाइल सिस्टम के ऊपर है, वो ASM के ऊपर नहीं है। तो अब मैं एक और डेटाबेस बनाने जा रहा हूँ इसी मशीन के ऊपर और वो ASM के ऊपर उसको मैं जाके क्रिएट करूंगा। नेक्स्ट करते हैं जी, क्रिएट डेटाबेस करते हैं, नेक्स्ट जनरल पर्पस टेम्पलेट सिलेक्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट करते हैं, डेटाबेस का नाम है MyDB रख रहा हूँ, नेक्स्ट। अभी वो सारे वही ऑप्शन हैं जो हमने पहले भी काफ़ी डिटेल से कवर किए हैं, अगर इसमें कोई क्वेश्चन होंगे तो आप मुझसे पूछ लेंगे। सिर्फ एक स्क्रीन आएगी जहाँ पे हमने ये स्टोरेज टाइप, इसमें हम फाइल सिस्टम नहीं सिलेक्ट करेंगे, इसमें हम ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट सिलेक्ट करेंगे, वो हमने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर लिया हुआ है। जब ये सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे तो वो अच्छा ब्राउज हो रहा है, नेक्स्ट नहीं करना आपने, यहाँ पे ब्राउज करना है कि डाटा फाइल्स कहाँ पर रखें, तो आपका वो आपको डिस्क ग्रुप दिखा देगा, ASM इंस्टेंस से कनेक्ट होके वो डिस्क ग्रुप आपके पास अगर मल्टीपल है तो सारे दिखा देगा, आपने कोई एक डिस्क ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो उससे कनेक्ट होने के लिए आपसे पासवर्ड मांगेगा, मैंने पासवर्ड ओरेकल रखा था दोनों का, सिस का भी और SNMP का भी, ओके कर देंगे, आर्काइविंग इनेबल बाद में करेंगे। नेक्स्ट करते हैं, सैंपल स्कीमास कर लेते हैं जाके HR का यूजर बन जाए, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट एंड तो अब ये एक डेटाबेस क्रिएट होगी जिसकी फाइल्स जो हैं डेटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स, रेडो लॉक फाइल्स और SP फाइल, ये सारी फाइल्स डिस्क ग्रुप के ऊपर होंगी। और अब जब आप इस डेटाबेस को स्टार्ट करेंगे आप तो आपको पहले ASM इंस्टेंस स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अब अगर आपने डेटाबेस इंस्टेंस को डाउन करना होगा या ASM इंस्टेंस को अगर आप डाउन करना होगा तो पहले आप वो सारी डेटाबेसेस डाउन करेंगे जो इस ASM को यूज कर रही हैं, इस ASM इंस्टेंस के डिस्क ग्रुप्स को यूज कर रही हैं, पहले वो वन बाय वन डाउन करेंगे और फिर एंड पे आपको ASM इंस्टेंस डाउन करना पड़ेगा। और जब आप स्टार्टअप करेंगे तो सबसे पहले ASM इंस्टेंस स्टार्ट करेंगे और फिर डेटाबेस इंस्टेंसेस आप स्टार्ट करेंगे। तो आप मल्टीपल डेटाबेसेस एक ही मशीन के ऊपर, मैं दोबारा से DBCA चला दूं और दोबारा से एक और नई डेटाबेस बना दूं और उसकी फाइल्स में ASM के ऊपर रख लूं, तो आप एक ASM के डिस्क ग्रुप के ऊपर मल्टीपल डेटाबेसेस की डेटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स या सारी फाइल्स रख सकते हैं। और आप एक डेटाबेस के कुछ फाइल्स ASM भी रख सकते हैं, कुछ फाइल्स आप नॉर्मल फाइल सिस्टम के ऊपर भी रख सकते हैं। लेट्स से आपका ASM इंस्टेंस का डिस्क ग्रुप फुल हो गया और आप उसमें जगह नहीं है और आपके पास नई डिस्क भी नहीं है जो कि आप प्रिपेयर करके उस डिस्क ग्रुप का पार्ट बना सके, तो आप ये कर सकते हैं कि और डिस्क आपको डेटाबेस में स्पेस भी चाहिए और फाइल सिस्टम की अगर आपके पास स्पेस है तो आप उस पर्टिकुलर डेटाबेस में जो फाइल्स ऐड करें वो नॉर्मल फाइल सिस्टम के ऊपर ऐड कर लें। सो आप एक डेटाबेस की कुछ फाइल्स ASM के ऊपर हो सकती हैं, कुछ आपकी नॉर्मल फाइल सिस्टम के ऊपर जी, उसका कोई RMN से जब बैकअप लेंगे तो वो जहां मर्जी हो फाइल्स, ठीक है, जब आप बैकअप लेंगे RMN से तो वो कंट्रोल फाइल को रीड करेगा, कंट्रोल फाइल में आपकी डेटा फाइल्स की लोकेशन होंगी कि कुछ फाइल्स ASM पे पड़ी हैं, कुछ डेटा आपके नॉर्मल फाइल सिस्टम पे पड़ी हैं, तो वो वहां से जाकर उनका बैकअप ले लेगा। आप नॉर्मली अगर यूजर मैनेज बैकअप ले रहे हैं खुद कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो फिर आपको देखना पड़ेगा हर लोकेशन पे जाके आपको फाइल खुद कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी, इसलिए रिकमेंडेड यही है कि आप RMN के थ्रू बैकअप लें ताकि आपको हर लोकेशन पे जाके मैनुअली फाइल्स को कॉपी ना करना पड़े। तो ये चीजें हैं, तो अब थोड़ी सी डिपेंडेंसी आपके पास ज्यादा हो जाएगी कि आपको ASM इंस्टेंस स्टार्ट होगा तो डेटाबेस इंस्टेंस स्टार्ट होगा और डेटाबेस इंस्टेंस डाउन होगा तो फिर आप ASM इंस्टेंस को डाउन कर सकेंगे, ठीक है, लेकिन इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं।
तो आपके अब ये यहाँ इस स्लाइड में ये बता रहा हूँ कि आपके आपके पास अगर आपका ए एस इंस्टेंस है, ए एस एम के डिस्क ग्रुप्स हैं और आपने एक ए एस एम इंस्टेंस कन्फिगर किया हुआ है, तो फॉर एग्जाम्पल आपने मल्टीपल मशीन्स, ये क्लस्टर्ड मशीन्स हैं, आपके पास मल्टीपल नोड्स हैं क्लस्टर में, नोड 1 है, नोड 2 है, नोड 3 है, नोड 4 है, नोड 5 है, पांच नोड्स का एक क्लस्टर है, उसके ऊपर आपने ए एस एम कन्फिगर किया हुआ है, तो इन पांचों नोड्स के ऊपर ए एस एम इंस्टेंस चल रहा होगा, इस पे प्लस ए एस एम 1 होगा, इस पे प्लस ए एस एम 2 होगा, इस पे प्लस ए एस एम 3 होगा, एंड सो ऑन, और ये इन सारी नोड्स के ऊपर ये डिस्क ग्रुप्स नजर आ रहे होंगे, डिस्क ग्रुप ए, डिस्क ग्रुप बी। अच्छा, अब आप इस क्लस्टर्ड इन्वायरमेंट के ऊपर अगर कोई क्लस्टर्ड डेटाबेस इंस्टॉल करेंगे, लेट्स से आपने तीन डेटाबेसेस इस इन मशीन्स पे क्रिएट की, अब ये पूरे क्लस्टर का पार्ट है, दो मशीन्स के ऊपर एक डेटाबेस ए क्रिएट की, दो मशीन्स को मिला के डेटाबेस बी क्रिएट की, और एक सिंगल इंस्टेंस डेटाबेस भी आपने इस क्लस्टर के अंदर इंस्टॉल की, वो है क्लस्टर का पार्ट नहीं, वो है ही नहीं मशीन्स के ऊपर, लेकिन वो नॉन क्लस्टर्ड इन्वायरमेंट डेटाबेस है, तो आप एक क्लस्टर्ड मशीन पे नॉन क्लस्टर्ड डेटाबेस भी इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये सारी डेटाबेसेस मिलके एक ही आप एक एएसएम को यूज कर सकते हैं। तो इसमें आप देखें कि आपकी डेटाबेस ए है, उसकी फाइल्स आपके डिस्क ग्रुप ए पे पड़ी हैं, डेटाबेस बी की फाइल्स डिस्क ग्रुप बी पे पड़ी हैं, डेटाबेस सी की फाइल्स डिस्क ग्रुप ए पे भी पड़ी हैं, डिस्क ग्रुप बी पे भी पड़ी हुई है, तो आप मिक्सचर करके रैक क्लस्टर्ड वर्सेज नॉन क्लस्टर्ड डेटाबेसिस की फाइल्स ए की एएसएम डिस्क ग्रुप के ऊपर रख सकते हैं। तो आपको अगर जैसे एक मशीन के ऊपर दो डेटाबेसिस आपको क्रिएट करनी है और दोनों को आपने एएसएम पे रखना है, तो इसका ये मतलब नहीं कि दोनों के लिए एएसएम अलग आपको इंस्टॉल एंड कंफिगर करना पड़ेगा, एएसएम आप एक दफा इंस्टॉल एंड कंफिगर करेंगे, उसके ऊपर जितने मर्जी डेटाबेसिस की डेटा फाइल्स प्लेस कर लें, प्रोवाइडेड कि आपके पास एएसएम डिस्क ग्रुप लेवल पे सफिशियंट स्पेस अवेलेबल है। एएसएम डिस्क आर द स्टोरेज डिवाइसेस प्रोविजन टू एएसएम डिस्क ग्रुप्स, जो हमने अभी पार्टीशंस क्रिएट की थी हमने, तो वो स्टोरेज डिवाइसेस जो आपने प्रिपेयर की हैं, प्रोविजन की हुई हैं, जो कि एएसएम के अंदर यूज हो सकेंगी, आर एक्सेस थ्रू नॉर्मल ओएस इंटरफेसेस, मस्ट बी रीड एंड राइट एक्सेसिबल बाय द एएसएम ओनर, मस्ट बी एक्सेसिबल बाय ऑल नोड्स इन अ क्लस्टर, मे हैव डिफरेंट ओएस नेम्स और पास ऑन डिफरेंट नोड्स, एंड वो क्या क्या हो सकते हैं, वो फिजिकल डिस्क हो सकती है, वो पार्टीशन हो सकती है, वो एलवीएम हो सकता है, वो लॉजिकल वॉल्यूम हो सकता है, या वो एनएफएस हो सकती है, तो ये सारी डिवाइसेज आपकी हो सकती हैं जिनमें आप डिस्क ग्रुप्स कन्फिगर कर सकते हैं। एलोकेशन यूनिट एयू, तो जब आपके डिस्क ग्रुप एएसएम के डिस्क ग्रुप के ऊपर कोई एक फाइल आप क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल अब मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया, तो वो डेटाबेस जो डेटा का डिस्क ग्रुप है उस पर आपकी डेटा फाइल्स प्लेस कर रहा होगा, तो वो डेटा फाइल जो है एयूज में कन्वर्ट हो रही होंगी, वो बाय डिफॉल्ट एयू का साइज 1 MB होगा, और एयू का साइज 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 164 MB तक हो सकता है, अब 128 MB तक भी आ गए, ठीक है, तो ये मल्टीपल एयू साइजेस हो सकते हैं। तो अगर आपकी डेटाबेस नॉर्मल है, लेट्स से लेस देन 10 GB है, तो एयू साइज इज 1 MB इज मोर देन इनफ, लेकिन लेट्स से आपकी डेटाबेस का साइज 100 GB है, तो फिर एयू साइज उस हिसाब से आप बड़ा भी रख सकते हैं, लेकिन ओरेकल क्या करता है, खुद से ये एडजस्ट कर लेता है, वो आपके 20,000 एक्सटेंट्स जो हैं उनके एयू साइज 1 ही रखता है, लेकिन उसके बाद एयू साइज को इंक्रीज भी कर देता है, तो नॉर्मली हमें कभी एयू साइज को एडजस्ट नहीं करना पड़ता, वो सब 1 MB मोर देन इनफ होता है पार्ट पार्ट, लेकिन आप इसको अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, और ये डिस्क ग्रुप लेवल पे सेट होता है। एएसएम फाइल्स, ऐसी फाइल्स जो एएसएम के ऊपर जाके प्लेस होंगी, एएसएम डिस्क ग्रुप्स के ऊपर जाके प्लेस होंगी, वो एएसएम फाइल्स कहलाएंगी, और वो प्लस के नाम से स्टार्ट होती हैं, जैसे प्लस ये डेटा का डिस्क ग्रुप है, उसमें ओआरसीएल के नाम से फोल्डर है, उसमें डेटा फाइल के नाम से फोल्डर है, उसमें फाइल का नाम है, और जो फाइल का नाम है वो फुली क्वालिफाइड होता है, यानी फाइल का नाम डॉट उसकी इंकारनेशन आईडी होती है साथ, इंकारनेशन मीन्स वो जनरेट कब हुई थी, तो एएसएम के अंदर जो फाइल्स होती हैं वो इंकारनेशन के साथ होती हैं, मीन्स के फाइल का नाम होता है डॉट आगे कोई एक यूनिक नंबर एएसएम दे देता है, और इनके आप यूनिक आप नॉर्मल नाम भी क्रिएट कर सकते हैं, उनको एलियसिस कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ये कम्प्लेक्स नाम है सिस्टम डॉट 256.689 है, आप इसको कोई एक सिंपल नाम देना चाहते हैं, जो वो नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो फाइल्स के नाम होते हैं, तो जैसे सिस्टम 01.db देना चाहते हैं, तो आप उस फाइल्स का एलियस क्रिएट कर सकते हैं, तो वो आगे देखेंगे एलियस कैसे क्रिएट होते हैं, और ये जो फाइल्स हैं दीज फाइल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डिस्क इन अ डिस्क ग्रुप, और वो एयूज में डिवाइड करके इस पूरी फाइल की जो स्पेस एलोकेशन होगी एक डिस्क में से नहीं होगी, वो अंडरलाइन सारी डिस्क के ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, 1 1 MB के चंक्स में डिवाइड करके या एयू के साइज में डिवाइड करके, और मिरर भी हो सकती है, अगर आपने मिररिंग सेलेक्ट की, हमारे केस में हमने मिररिंग सेलेक्ट नहीं की थी, हमने एक्सटर्नल मिररिंग की थी या रिडंडेंसी की थी, तो इस केस में वो मिररिंग नहीं कर रहा, अदरवाइज ये मिरर भी कर सकता है। एक्सटेंट मैप आपका ए एस एम इंस्टेंस आपके डेटाबेस इंस्टेंस से कम्युनिकेट करता है कि आपके ए एस एम के ऊपर जो फाइल्स हैं वो कौन कौन से
डिस्क ग्रुप्स के अंदर कैसे कैसे एलोकेट होंगे। लेट्स से आप एक पूरी फाइल है, ये एक डेटाबेस की फाइल है, और ये फाइल आप एएसएम के डिस्क ग्रुप के ऊपर क्रिएट करना जा रहे हैं, और जो उस एएसएम डिस्क ग्रुप के अंदर चार डिस्क हैं। तो जब ये फाइल क्रिएट होगी, फॉर एग्जांपल इस फाइल का कोई भी साइज है, तो लेट्स ये 7 MB की फाइल है। आप फाइल क्रिएट करते हैं, आपने डेटाबेस में किया जी अल्टर टेबल स्पेस, टेबल स्पेस का नाम एड डेटा फाइल, और फाइल का नाम नाम भी देने की जरूरत नहीं, आपने साइज दे दिया 7 MB अज्यूम कर, मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। तो क्या करेगा वो डेटाबेस जाके एएसएम इंस्टेंस से कम्युनिकेट करेगा, एएसएम इंस्टेंस उस डेटाबेस की जो फाइल है उसको 1 MB के, वो जो 7 MB की फाइल है वो 1 MB में डिवाइड कर देगा, उसके 7 पार्ट बन जाएंगे, हर पार्ट हर डिस्क के ऊपर, पहला पार्ट पहली डिस्क पे, दूसरा पार्ट दूसरी डिस्क पे, तीसरा तीसरी डिस्क पे, फोर्थ डिस्क पे, और फिर इसी तरीके से फिफ्थ दोबारा पहली डिस्क पे, सिक्स दूसरी डिस्क पे, सेवन्थ तीसरी डिस्क पे, एंड सो इस तरीके से इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा हर डिस्क के ऊपर, और वो स्पेस एलोकेशन जो है उसका पूरा मैप बना के आपके डेटाबेस इंस्टेंस को दे देगा, और डेटाबेस इंस्टेंस उस मैप के हिसाब से वो डेटा उसके उसको स्पेस एलोकेशन हो जाएगी, वो स्पेस एलोकेशन कर लेगा और डेटा फाइल वहाँ पे क्रिएट कर देगा। तो आपकी ये एक्चुअली जो ये एक पूरी एक फाइल है, ये छोटे छोटे चंक्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए हर डिस्क के ऊपर, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, एक्चुअली वो एक ही जगह से उसको स्पेस नहीं मिली हुई। तो यही फायदा होगा एएसएम के अंदर, क्योंकि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपका आईओ लोड बैलेंस हो जाएगी, कोई सिंगल आपकी जो डिस्क है वो पॉइंट ऑफ कंटेंशन नहीं होगी। नॉर्मली ऐसा होता है ना, बहुत सारे ऐसे टेबल्स हैं जो कि पूरी एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, वो एक ही डिस्क के ऊपर पड़े हुए, उसकी फाइल क्योंकि एक उस डिस्क के ऊपर पड़ी है, तो वो पॉइंट ऑफ कंटेंशन हो जाती है, वहां पे परफॉर्मेंस के इश्यूज आ जाते हैं। इस केस में ऐसा नहीं होगा, डेटा स्ट्राइप होके वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। स्ट्राइपिंग ग्रैनुलैरिटी, आपके जब भी कोई डिस्क के ऊपर डेटा वो प्लेस करेगा तो डेटा स्ट्राइप करके रखेगा।